तो IPv4 एड्रेसिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में. थोड़ी देर में देखते हैं व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ एग्जॉस्ट होने का. और V6 आपका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है 6 जून 2012 से. बट आज का जो टॉपिक है दैट इज़ IPv4 एड्रेसिंग. IP एड्रेस शुरू करने से पहले यानी V4 एड्रेसिंग शुरू करने से पहले इसके अंदर जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो डिस्कशन हमने करने वो पहले हम नोट डाउन कर लें उसके बाद आगे डिस्कशन शुरू करें. ये स्लाइड नोट हो गई. IPv4 एड्रेसिंग के अंदर नंबर ऑफ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो नोट करें पहले उसके बाद क्लास शुरू करें. IP एड्रेस IP एड्रेसिंग वर्जन ऑफ IP एड्रेस क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस According to management and business. IP address equal to network BITS प्लस HOSP BITS बिट्स. नेक्स्ट पॉइंट डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास फुल IP एड्रेस. नोट हो गया अंत. चले आगे. नेटवर्क ID एंड ब्रॉडकास्ट ID हाउ टू कैलकुलेट NID स्टैंड फॉर नेटवर्क ID BID स्टैंड फॉर ब्रॉडकास्ट ID फर्स्ट वैलिड IP लास्ट valid IP and a valid range of IP address. Next point ANDING ending process next point number of valid IP address and
network IDs in class A, comma, class B and class C. Next point. Design and implementation of network scenario before IP saving techniques चलें अभी IP saving techniques. IP saving techniques के अंदर multiple techniques हैं. Subnetting. VLSM, NAT net, PAT pet, private IP address. IPN number ये आप CCNP के अंदर पढ़ेंगे बाकी जितना भी है subnetting, VLSM, net, pet और private IP address इसका study CCNA के अंदर ही होगा चलें भी आगे How to calculate subnet and VLSM? Design and implementation of network scenario with subnet and VLSM. इस साइड से होकर बैठ जाएंगे कोई चेयर खाली हो बीच में नेक्स्ट पॉइंट समराइजेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट
summary address. Superneting and how to calculate supernet address. CIDR tips and tricks. तो ये number of points हैं जो discussion किए जाएंगे. जो main topic है उसका नाम है IP version 4 addressing. पहला जो टॉपिक या पॉइंट डिस्कशन में है दैट इज आईपी एड्रेस. नोट करें इट्स ए unique ID of a host. Second point, it's a logical ID. दो पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं आईपी एड्रेस के बारे में कि ये यूनिक आईडी है किसी भी होस्ट की, और दूसरा लिखा गया इट्स ए लॉजिकल आईडी. यहाँ पर जो की कंपोनेंट्स है होस्ट, जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड ना की हो, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस ना देखे हो, उन लोगों से क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होस्ट. जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं की है और जिन लोगों ने मेरे वीडियोज नहीं देखे उन लोगों से क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होस्ट. होस्ट क्या होता है? यूजर माने कौन सा यूजर? हाँ जी, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है भाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होस्ट? तकरीबन मैक्सिमम मेजोरिटी क्लास के अंदर है सिस्टम नंबर ऑफ वीक. नंबर ऑफ बिट. बिट तो आईपी एड्रेस का नाम नंबर ऑफ बिट्स होता है. होस्ट कैन बी एनी मशीन मशीन दैट कैन वर्क ऑन आईपी एड्रेस एड्रेसेस. मोस्ट ऑफ दी लोगों ने बीटेक कर रखा है और आई थिंक सब ने टेनम्बम ऑफ फ्रोजन की बुक पढ़ी होगी. ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं किसी ने ना. उन दोनों बुक्स के अंदर या मोस्ट ऑफ दी लिटरेचर के अंदर जो भी आप देखते हैं नेटवर्किंग रिलेटेड में, जहाँ पर होस्ट का कीवर्ड आता है वहाँ पर एक पीसी का सिंबल बना होता है. मोस्ट ऑफ दी बुक्स के अंदर जहाँ पर भी होस्ट आएगा वहाँ पर पीसी का सिंबल बना होगा, इसके नीचे लिखा होता है होस्ट. ये डेफिनेशन 1981 में ठीक थी. 1981 में अगर आप ये कहते कि जो होस्ट है वो आपका सिस्टम होता है या पीसी होता है, दैट वाज करेक्ट. इसमें कोई दो राय नहीं. बट आज की डेट में आप ये तकरीबन 1981 से लेकर 2002 चल रहा है, कितने साल हो गए? हाँ जी, कितने साल हो गए तकरीबन? हाँ जी, एक ही क्लास में बोल रहा है. मैथमेटिक्स एक ही ठीक है क्या? अप्रोक्सीमेटली 30 साल होने को आए हैं. तो अब इसकी डेफिनेशन में काफ़ी ट्विस्ट हो चुका है.
आज की डेट में होस्ट का मतलब है एनी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस. कोई भी डिवाइस, दुनिया की कोई भी डिवाइस जो कि आईपी पर काम कर रही होती है वो होस्ट कहलाएगी. आपका जो फ़ोन है उसके अंदर भी इंटरनेट चलता है, बिना आईपी के नहीं चल सकता. आपके ऑफिस में प्रिंटर भी होगा, लोकल प्रिंटर भी होता है जो डायरेक्टली अटैचमेंट होता है, एक नेटवर्क प्रिंटर भी होता है. आईपीटीवी का नाम भी आपने सुना होगा, सालों से तकरीबन आ रहा है. ऐसी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो शायद आपने ना सुने, वो अपने डॉक्यूमेंट में नोट करें. जैसे कि घर में जो आपके फ्रिज यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर, तो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम में क्या आ चुका है, डिजिटल रेफ्रिजरेटर ऑन आईपी एड्रेस. घर में जो फ्रिज यूज़ होता है वो आईपी एड्रेस के ऊपर आ चुका है. इसका डॉक्यूमेंटेशन आप चाहें तो नेट पर पढ़ सकें, बट नॉट दी पार्ट ऑफ दी राइट नाउ, इसका पार्ट नहीं है. इसी तरीके से जो घर में रसोई घर है जहाँ खाना बनाया जाता है, फ्यूचर किचन ऑन IPv6 एड्रेस आ चुका है. फ्यूचर किचन ऑन IPv6 एड्रेस भी आ चुका है. इसी तरीके से आपने सुना होगा कि जो लैपटॉप हैं आज की डेट में, कुछ में तो हम अपने पासवर्ड जो डालते हैं उससे एंटर करते हैं. कुछ ऐसे भी लैपटॉप्स हैं कि वो आपके फिंगरप्रिंट से ऑन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस हैं. तो ये बायोमेट्रिक्स आर्मी के अंदर काफ़ी सालों से मौजूद हैं कि जिस सोल्जर के पास जो गन होती है वो उसी से एक्टिवेट होती है. वो हमने तकरीबन देखा है उसके अंदर, गेम्स के अंदर, बट इट्स ट्रुथ कि बायोमेट्रिक्स गन एग्जिस्ट करती हैं आर्मी के अंदर. ऐसे ही आने वाले टाइम में रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, फ्यूचर राइफल सपोर्ट मल्टीपल IPv6 एड्रेस. नोट कर लो, व्हाट विल हैपन आने वाले टाइम में वो खुदा जाने, ऊपर वाला जाने क्या होने का, बट रिसर्च हो चुकी है कंप्लीट सालों पहले कि फ्यूचर राइफल सपोर्ट मल्टीपल IPv6 एड्रेस. यानी कोई भी फील्ड हमने ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पे नेटवर्किंग से उसका रिश्ता कोई ना हो. तो फ्यूचर राइफल सपोर्ट मल्टीपल IPv6 एड्रेस. जब हम वर्जन 6 पढ़ेंगे, CCNA में वर्जन 6 भी है बट नॉट राइट नाउ, अभी वर्जन 4 के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो पढ़ाएंगे कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं आप जिसको देखकर अचंभा करेंगे, भाई यहाँ पे कैसे यूज़ होगा. तो आने वाले टाइम में 6 का इस्तेमाल किया जाएगा सारी चीज़ों के अंदर. अभी तो फिलहाल 4 चल रहा है और कुछ जो एग्जॉस्ट हुआ है, एग्जॉस्ट का क्या मतलब है थोड़ी देर में डिस्कशन होगा, बट जहाँ पर 4 चल रहा है ऐसा नहीं है कि 4 ख़त्म हो गए. एग्जॉस्ट होने के मतलब ISP के रेस्पेक्ट में है या क्लाइंट के रेस्पेक्ट में, आधे एक घंटे के बाद डिस्कशन होगा. तो एक टर्म ही डिस्कशन किया गया कि होस्ट जो है कोई भी डिवाइस हो सकती है. जो यूनिक आईडी से मुराद है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक घर में अगर 4 बच्चे हैं तो क्या पेरेंट्स उनके नाम सेम रखते हैं कि सबके, किसी ने मना किया रखने के लिए? मना तो किसी ने भी नहीं किया, फिर क्यों नहीं रखते? डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा? एक को बुलाएंगे सारे दौड़ के आ जाएंगे. ऐसे ही जो आईपी एड्रेस है वो यूनिक नेम है, हर एक मशीन का अलग अलग नाम है. दूसरा टर्म है इट्स ए लॉजिकल आईडी. हर एक डिवाइस पर जो भी नेटवर्किंग के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, दो तरह की आईडीज एग्जिस्ट करती हैं. एक आईडी होती है हर एक मशीन के ऊपर, लॉजिकल आईडी, जिसको हम बोलते हैं कि आईपी एड्रेस. और एक दूसरी आईडी होती है फिजिकल आईडी, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस. फिजिकल आईडी यानी मैक एड्रेस. जो आईपी एड्रेस है लॉजिकल आईडी, ये वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो वर्जन 4 में कितनी बिट्स की होती है? 32 बिट की होती है, 32 बिट्स की होती है. बट चूंकि आने वाले टाइम में वर्जन 6 इंप्लीमेंट होगा, तो वर्जन 6 में यही लॉजिकल आईडी वर्जन 6 में ये लॉजिकल आईडी 128 बिट्स की होती है. मैक एड्रेस आपके पास
48 bits binary होता है, या अगर हम अपने पीसी पर या लैपटॉप पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद सीएमडी में जाने के बाद यहाँ पे अगर लिखें /all, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ आएगा PHYSICL फिजिकल आईडी, और फिजिकल आईडी के आगे नंबर लिखा हुआ लेट्स से इस फॉर्म में लेट्स से 02-1B-11-E2-C5 1 2 3 4 5, और एक और लिखा हुआ लेट्स से BC। ये जो फिजिकल आईडी है ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हो रही है, ये रिप्रेजेंट हो रही है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होती है 12 करेक्टर के अंदर, जबकि बाइनरी में 48 बिट्स बाइनरी होती है। हेक्साडेसिमल के अंदर आपको मालूम है कि भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो ये करेक्टर होते हैं, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ आ जाता है। ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15 होता है। तो जो फिजिकल आईडी है वो 48 बिट बाइनरी है या 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल है, और जो आईपी एड्रेस है वर्जन 4 में 32 बिट की आइडेंटिफिकेशन है और वर्जन 6 में 128 बिट की आइडेंटिफिकेशन है। क्या मैक एड्रेस चेंज हो सकता है? मशीन से चेंज तो हो रहा था, पर एक्चुअल में चेंज नहीं होता रहा था। ये आपका नाम क्या? अरुण। अरुण, और कोई कमेंट्स करेगा? चेंज हो जाता है कि नहीं? नहीं। जैसे अरुण ने बताया कि मैक एड्रेस चेंज तो हो जाता है बट चेंज नहीं होता, क्या मतलब है? अगर आप मेरा मास्क पहन लें, मेरे कपड़े पहन लें, तो आप अनवर नहीं बन जाएंगे, कोई धोखा जरूर खा जाएगा, डबल रोल। तो वी कैन ऑल्सो मैनुपलेट दी चेंज दी मैक एड्रेस, बट जो रियल मैक एड्रेस है वो वही रहेगा, बट डिस्प्ले पूरी दुनिया की नेटवर्क डिवाइसेस को, अगर वो लाइन से अटैच्ड है आमने सामने तो क्या डिस्प्ले होने वाला है? डिस्प्ले वही होगा जो हमने मॉडिफाई किया है। वी कैन चेंज इट, हम चेंज कर सकते हैं। जो हम मैनुअली चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी का मास्क पहना है मैनुअली, तो वो नहीं हटेगा जब तक कि मैनुअली नहीं हटाएंगे। तो जो भी मैक एड्रेस हम रखेंगे वो मैक एड्रेस जब तक हम नहीं हटाएंगे वो नहीं हटेगा, चाहे सिस्टम को आप रीबूट कर लें। सिस्टम को हम फॉर्मेट करेंगे तो ऑब्वियसली हट जाएगा, नहीं तो स्टार्टिंग से हो जाएगा, अदरवाइज वो वही रहेगा जो आपने रखा। इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, ये आप पढ़ेंगे सिक्योरिटी फेस के अंदर, क्या क्या नुकसान हम पहुँचा सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हम कर सकते हैं। अब ये दो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है लॉजिकल आईडी, एक है फिजिकल आईडी। जब पीसी के ऊपर आईपी एड्रेस हमने डाल दिया है, इंटरनेट क्लाउड्स के ऊपर आईपी एड्रेस एक्सेप्टेड है, तो इस फिजिकल एड्रेस की ज़रूरत क्या पड़ रही है? किसी ने पिंग किया है कभी एक मशीन से दूसरी मशीन को? कितने लोगों ने पिंग किया है? जब हम पिंग करते हैं तो हम लिखते हैं कमांड रूम पर जाके पिंग, लेट्स सी 192.168.100.1 और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हाउ मेनी रिप्लाई वी आर गेटिंग ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ द पीसी? 4 आ रहे होते हैं। रूटर में 5 आते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो रूटर में 5 आते हैं और पीसी में 4 आ रहे होते हैं। तो हमें रिप्लाई वहाँ से मिल जाता है, बट टेक्निकली हो क्या रहा है कभी सोचा किसी ने? अगली स्लाइड्स पर देखते हैं। लेट्स सी, एक मशीन ये है ए और एक मशीन है बी। ये दोनों मशीनें अगर हम कनेक्ट करें तो डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो क्रॉस केबल से हो सकती हैं, और बीच में हब स्विच लगाएं तो स्ट्रेट केबल से हो सकती हैं। कौन सी केबल्स अटैच होंगी ये एक अलग टॉपिक आपका आएगा जब डिस्कशन करेंगे आईपी एड्रेस के बाद। फिलहाल दो मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं,
इस मशीन का एड्रेस है लेट्स सी 192.168.1.1, चूंकि तकरीबन हर एक को ये रटा हुआ है, चूंकि हर एक के घर में इंटरनेट लगाए या आपके पास प्राइवेट आई पी एड्रेस यूज हो रहा होता है, 192.168.1.2। और हमें इतना भी मालूम है लेमन लैंग्वेज में कि अगर क्लास सी का ये नंबर है 192 पहले ऑक्टेट में आ रहा है और 168.1 यहाँ तक कॉमन है और यहाँ पर ही 192.168.1 कॉमन है, तो अगर हम इस वाले फैक्टर को वेरिएबल कर दें 1, 2, 3, 4, 5 up to 254 तक ये आपस में बातचीत करते हैं, बट टेक्निकल रीज़न क्या है वो बाद में डिस्कशन होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज NID, नेटवर्क ID एक फीचर आता है, एक BID फीचर आता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन आता है, वो डिस्कशन बाद में करेंगे, अगर ये ना हो तो कम्युनिकेट नहीं होगा। फिलहाल आप इतना याद रखें कि क्लास सी के अंदर ये तीन ऑक्टेट, पहला, दूसरा और तीसरा अगर कॉमन है, चौथा वाले में कुछ भी है, वो आपस में बातचीत करेंगे। इस मशीन का, ये जो मशीन है, इसका मैक एड्रेस हम मान लेते हैं अपनी आसानी के लिए, इसका मैक एड्रेस में जो हेक्साडेसिमल जो करेक्टर हैं वो सारे के सारे ए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मशीन बी के अंदर सारे के सारे जो करेक्टर हैं वो बी हैं। ये ठंडा तो नहीं हो रहा है, इसी ज़्यादा कम कर दें, ठंडा हो रहा है, ठीक है टेम्परेचर। लेट्स से मशीन ए की कमांड प्रॉम्प्ट पे हम चले गए, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट सिंपल है, और यहाँ से जाने के बाद अगर हम ऐसा लिखते हैं PING पिंग, और पिंग लिखने के बाद अगर हम यहाँ लिखते हैं 192.168.1.2 और एंटर करते हैं, यानी हमने स्टेप वन में लेट्स से ऐसे किया, एंटर किया, और दूसरे ही पल में हमें क्या मिल जाता है, REPLY रिप्लाई फ्रॉम कहाँ से, 192.168.1.2 से। हमें यहाँ से रिप्लाई आना शुरू है, तो कितने रिप्लाई आते हैं, 4 रिप्लाईज हमें आ जाते हैं, तो दूसरे ही पल में हमें यहाँ, या हमें ऐसा लगता है कि हमने एंटर किया और एंटर करते ही रिप्लाई आ गया। तो पहली चीज़ तो ये कि जो आपने पिंग लिखने के बाद ये एंटर किया है, ये टेक्निकली किया क्या है, इसका टेक्निकल नाम क्या है, आपने पिंग लिख के एंटर मारा, व्हाट इज द टेक्निकल नेम। पिंग के दो पार्ट होते हैं, नहीं वो तो आपको रिजल्ट पता चल रहा है कि आपने यहाँ से बटन दबाया और लाइट जल गई, अंदर भी तो कुछ होगा, टेक्निकल नाम भी तो कुछ होगा ना। पिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ECHO इको रिक्वेस्ट और एक होता है इको रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, सोर्स आईपी, असिस्टेंट फॉर होस्ट और डेस्टिनेशन आईपी। सिमिलरली इको रिप्लाई के भी दो पार्ट होते हैं, सोर्स आईपी और दूसरा डेस्टिनेशन आईपी। जिस टाइम पर आपने इको रिक्वेस्ट सेंड की, दैट इज द इको रिक्वेस्ट, जो आपने पिंग लिखा है यहां पे, ये इको रिक्वेस्ट है आपकी। ये जो आपने की है दैट इज इको रिक्वेस्ट। तो इको रिक्वेस्ट के अंदर जो सोर्स आईपी है वो सोर्स आईपी क्या जा रहा होगा, 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 192.168.1.2।
जब रिप्लाई वापस आएगा, यानी ई को रिप्लाई, दैट इज द ई को रिप्लाई, ये ई को रिप्लाई वापस आ रहा है, तो इसमें सोर्स आईपी क्या होगा, 192.168.1.2, और डेस्टिनेशन आईपी बन जाएगा 192.168.1.1। तो इसमें ऐसी कोई मैंने नई बात नहीं बताई है, तकरीबन हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले से मालूम हो ई को रिक्वेस्ट और ई को रिप्लाई। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने जब एंटर किया तो हमें इमीडिएटली रिप्लाई नज़र आ गया, बीच में बहुत सारे प्रोसेस हुए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ होस्ट, तो इसका आंसर देने के लिए कुछ ने कोशिश की, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, प्रोसेस का यूटिलाइजेशन किया, किसी ने बोल दिया किसी ने नहीं बोला, तो अंदर बहुत सारे प्रोसेस हुए। आप आउटपुट जब दे रहे हो तो प्रोसेस करने के बाद दे रहे हो, ऐसे ही यहाँ पे ई को रिक्वेस्ट जो भेजी है आपने और जो रिप्लाई आया, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हुए जो कि हिडन है। कैसी, जब आपने इस वाली मशीन से, ए वाली मशीन से ई को रिक्वेस्ट भेजी, तो व्हाट वाज़ दी सोर्स आईपी, 192.168.1.1। व्हाट वाज़ दी सोर्स मैक, ए, लेट्स से ए 12 टाइम्स। ए मशीन को जब बी पर जाना है तो मशीन ए को अपना नाम मालूम है और अपना मैक एड्रेस, यानी परमानेंट पता। एक तो आपका नाम होता है, एक आपका घर का पता होता है। आपके नाम से अगर आपको सर्च किया जाए और घर का पता ना हो, तो पॉसिबल हो भी सकता है आपसे मुलाकात हो भी सकता है कि कभी पूरी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि एड्रेस तो है नहीं। ऐसी हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस है और एक मैक एड्रेस है। इसको सोर्स मशीन को जहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन आईपी भी मालूम होगा, 192.168.1.2। द क्वेश्चन इज दैट, क्या सोर्स मशीन को, यानी मशीन ए को, क्या डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मालूम है? आंसर इज नो। ये सोर्स मशीन इसको पिंग कर रही है, यानी सम इंफॉर्मेशन डाटा भेज रही है। व्हाट इज द सेंडिंग डाटा, वो इस मशीन को मालूम है, यानी जो नॉन फील्ड है मशीन को, ए को, वो अपना सोर्स आईपी मालूम है, अपना सोर्स मैक मालूम है, डेस्टिनेशन का आईपी मालूम है, और जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है वो भी मालूम है, बट डेस्टिनेशन मैक मालूम नहीं है। ये कुछ ऐसे ही है कि अगर आपने या आपके घर वालों ने आपको किसी डेस्टिनेशन पर भेजना हो कि भाई फला जगह जाके ये सामान दे देना, तो आपको सामान भी घर वाले पकड़ा दें और ये ना बताएं कि किसको देना है, तब भी आप नहीं जाओगे। अगर ये बता दें इस नाम के कैंडिडेट को देना है लेकिन उसका एड्रेस ना बताएं, तो जाओगे अब? तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक उसके नाम के साथ उसका एड्रेस मौजूद ना हो, आप यहाँ से घर से प्रोसीड करें। सिमिलरली, बहुत ध्यान से सुने इस चीज़ को, कि आपने यहाँ पर पिंग लिखने के बाद एंटर किया, आपने तो ईको रिक्वेस्ट सेंड कर दी, बट इस मशीन का एक लैन कार्ड होता है जहाँ पे हम वायर कनेक्ट करते हैं। ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, ये रिक्वेस्ट बाहर निकली ही नहीं है, ये रिक्वेस्ट इससे बाहर नहीं आई है। आपने जो ईको रिक्वेस्ट सेंड की है, ये सस्पेंड हो गई है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई है, बिकॉज मशीन ए को मशीन बी तक ईको रिक्वेस्ट भेजने के लिए इस मैक एड्रेस का होना मैंडेटरी है। जैसे आपको अपने घर से किसी दूसरे के घर सामान भेजने के लिए उसका घर का पता होना ज़रूरी है, नहीं तो ले घूमते रहोगे। जब तक आप अपने घर से प्रोसीड नहीं करेंगे, जब तक कि एड्रेस ना हो, और मान लें एड्रेस आपके पास होता भी है, तो क्या आप पहुँच जाते हैं? अगर आपने कभी देखा ही ना हो तो, पढ़े लिखे होने के बावजूद आप नंबर ऑफ लोगों से पूछते हैं, होता ना, तो फर्स्ट टाइम आप पहुंचने में लेट भी हो जाते हैं। ऐसे ही सिमिलर, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में नेटवर्किंग काम कर रही होती हैं, कि यहाँ से आपने ईको रिक्वेस्ट जनरेट तो कर दी है, बट दैट विल नॉट एग्जिट फ्रॉम दिस इंटरफेस टिल, जब तक कि ए मशीन को इस बी मशीन का ये मालूम ना हो।
तो मशीन इंटरनली क्या करती है, यहां से आपने तो पहला जो इंफॉर्मेशन भेजी वो क्या भेजी, ये भेजी, बट मशीन क्या करेगी, पहली इंफॉर्मेशन भेजेगी जिसका नाम होगा ARP ARP रिक्वेस्ट। ARP का नाम ऐसा नहीं है कोई क्लास में किसी ने ना सुना हो, व्हाट इज द ARP? ओएसआई की कौन सी लेयर पे काम करता है? हाँ जी, सेकंड लेयर पर, यानी लेयर टू पे ARP काम कर रहा होता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि आईपी टू मैक कन्वर्जन करना। आपको नाम पता है, घर का एड्रेस नहीं पता है उसके, तो आप गली मोहल्लों में चिल्लाते फिर रहे हो भाई ये नाम है कहाँ पे, ये घर किसका है, ये इसका घर कहाँ पर है, इसका घर कहाँ पर है, हाँ जी। तो ARP जो रिक्वेस्ट है वो लेयर टू के ऊपर होती है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, और ARP रिक्वेस्ट होती है ब्रॉडकास्ट। यानी ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती क्या मतलब है, ऐसी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होता है कि सारे लोग उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, आम भाषा में होता है। और ये आम भाषा का मतलब टेक्निकली कुछ होगा, यानी वो आम भाषा है FF, यानी जितनी भी मैक एड्रेस की बिट्स हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, वन हो जाती हैं, वन, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एफ का मतलब क्या हो गया, 8 बिट वन है, 15 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से जब ये मशीन से ये लिखते हैं इको रिक्वेस्ट एंटर करते हैं, तो ये मशीन पहली रिक्वेस्ट क्या भेजती है जो हमारी आंखों से नज़र नहीं आती, ये नज़र आएगी स्निफर से, स्निफिंग टूल से, जब आप सिक्योरिटी करेंगे CCNA सिक्योरिटी NP सिक्योरिटी, तब जाके आपको ये चीज़ें बिल्कुल 100% एग्जैक्टली नज़र आएंगी। तो यहाँ पर इस मशीन, यह मशीन क्या अनाउंसमेंट करती है, माई आई पी इज दिस वन, माई मैक इज दिस वन, आई वॉन्ट टू नो दी मैक एड्रेस ऑफ दिस आई पी एड्रेस। ऐसे मान के चल लें कि एक कैंडिडेट एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, तो गांव में क्या होता है, लोग नामों से तो वाकफियत रखते हैं बट मकानों का एड्रेस ना इतना पता होता है, इमली के पेड़ के नीचे, लालकू के पीछे। कैसे मान के चलने, एक कैंडिडेट दूसरे गांव में गया, उसने अनाउंसमेंट किया भाई मेरा नाम ये फला गांव से आया हूँ, आपके गांव में इस नाम का आदमी, उसको ये सामान देने का है, ये अनाउंसमेंट लेमन लैंग्वेज में हो रहा है। तो यहाँ पे ये मशीन ने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरा आईपी है, मेरा मैक एड्रेस ये, मुझे इस आईपी का मैक एड्रेस कोई बताएगा, और किस लैंग्वेज से बोला, इस वाली लैंग्वेज से। ये लेयर टू ब्रॉडकास्ट है, जब भी इस लैंग्वेज से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, जितनी भी डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट होंगी, नॉट बी, जितनी भी यहाँ कनेक्टेड होंगी, सबसे हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, वो देखेगी ये तो मेरा नाम पुकारा गया है, तो ये बी मशीन सेंडर मशीन को, यानी स्टेप नंबर टू ये हो रहा है, ARP ARP रिप्लाई करेगी, और ARP रिप्लाई ऑलवेज ऑलवेज यूनिकास्ट होता है। रीजन, जवाब देने वाले को ये पता है कि आवाज़ किसने दी, तो जब ए मशीन के पास बी का मैक एड्रेस आ जाएगा, यानी ये जो फील्ड थी अब ये फील्ड फिलअप हो चुकी है, ये बी हो चुका है यहाँ पे सारा। अब जो आपने प्रोसेस किया था इको रिक्वेस्ट वाला, अब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यानी ये तीसरे नंबर पर जा रहा है, आपने तो फर्स्ट नंबर पे हिट किया ना, तो ये तीसरे नंबर पर इको रिक्वेस्ट गई है, और ये चौथे नंबर पर आपका आंसर आ रहा है इको रिप्लाई, जबकि हमें ये नजर आ रहा होता है कि हम इको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इमीडिएटली रिप्लाई आ जाता है। तो इको रिक्वेस्ट को आप छोड़ें, आपके पास पिंग को आप छोड़ें, हम पिंग की बात कर रहे हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करें, HTTP पोर्ट नंबर 80 खोलें, या पोर्ट नंबर 23 खोलें, या सिक्योर खोलें, या आपके पास SMTP, व्हाटएवर कोई भी आप एप्लीकेशन खोलना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम ARP का लुकअप होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं तो एड्रेस पूछते हुए पहुँचे होंगे, अगली बार जब आएंगे तो किसी से नहीं पूछेंगे, सीधा आ जाएंगे। तो आप समटाइम्स ही देखेंगे रूटर में या नेटवर्क डिवाइस के अंदर पहला जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाता है जब पिंग का होता है। तो रीज़न इज दैट कि आपने
जब इको रिक्वेस्ट भेजी तो हर एक का एक टाइम होता है, हर एक पैकेट का। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी घर जाते हो, बाहर बैल लगी है, दरवाजा बंद है, आपके घर तो बैल बजाते हो। अब किसी का तो ये होता है कि भाई मैं एक बैल बजाऊंगा, पांच मिनट का इंतजार करूंगा, हो सकता है बिजी होगा अंदर, कैंडिडेट धीरे आराम से आ जाएगा। किसी को सुकून नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, वो क्या करता है एक मिनट के अंदर तीन बैल बजा देता है। अगला वाला ये सोचता है बच्चा बैल बजा रहा होगा, मैं तो बाहर नहीं जाता। तो यहाँ पर सिमिलरली जो भी वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर सेंडिंग, हर एक का एक टाइम है। जैसे आपका पेशेंस टाइम आउट है, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट है। तो अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी और उतनी देर में उसका आंसर नहीं आया तो आप मान लेते हो ड्रॉप हो गया। तो आपने इको रिक्वेस्ट भेजी, बट वो इको रिक्वेस्ट तो तब जाए ना कि उसको वहाँ मैक एड्रेस मिला हो एको, और एको मैक एड्रेस मिला नहीं है। उसने इतनी देर में आर्प रिक्वेस्ट भेजी, उसको वहाँ से जवाब आया नहीं, तो आपको जवाब क्यों दे। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब राउटर से हम पिंग करते हैं तो 100% पिंग की बजाय 80% पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है, 20% लॉस हो जाता है, 80% पिंग होता है। सेकेंड टाइम करते हैं तो पूरा हो जाता है। अभी हमें कैसे वेरीफाई करें कि जो हमने लिखा है कि आर्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई से मैक एड्रेस मिल जाता है। जिसके घर में दो सिस्टम है, बिकॉज अभी आपने सिक्योरिटी पढ़ी नहीं है, वो कैसे वेरीफाई करें, जिनके घर में दो सिस्टम है वो क्या करें, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मैक एड्रेस मिलता भी है कि नहीं मिलता है। मैं इसको अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे कैसे करना है, ये स्टेप्स तो पूरे हो गए यहाँ पे। अभी हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वाकई क्या मैक एड्रेस पता लगता है एक ओबीका के नहीं लगता। तो हम क्या करें कि स्टेप नंबर वन के अंदर घर पे जाके ए मशीन की कमांड प्रॉम्प्ट पे एक कमांड चलाएं, ए आर पी स्पेस माइनस ए। याद रहे ये बिफोर पिंग है, यानी बी मशीन को पिंग करने से पहले, ए से आपने पिंग नहीं किया हुआ, पहले आपने कमांड चलाया, तो इसकी आउटपुट ब्लैंक आएगी। आउटपुट क्या होगी, ब्लैंक होगी। स्टेप नंबर टू के अंदर मशीन ए से अब पिंग करें, किसको, बी को, 192.168.1.2 एंटर करें, ये रिप्लाई आपको आ जाएगा ये सारे प्रोसेस होने के बाद। स्टेप नंबर थ्री के अंदर अब आप फिर कमांड चलाएं ए आर पी स्पेस माइनस ए, तो आपको आउटपुट में लिखा हुआ नजर आएगा 192.168.1.2 और इसके आगे लिखा हुआ मैक एड्रेस, किसका, बी वाली मशीन का, जबकि आप इस मशीन पर नहीं गए हैं, यू आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बी मशीन, आप ए के ऊपर ही हैं। ए पर बैठे बैठे आपने दूसरी मशीन का मैक एड्रेस पता करवा लिया, तो अब आपको ए मशीन से जब बी का मैक एड्रेस पता लग गया तो आप चाहें तो अपनी मशीन का मैक एड्रेस वो कर सकते हैं जो बी मशीन का है। बट इससे क्या हुआ देखते हैं अगली स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ किसी भी कोई पॉइंट जो क्लियर ना हो प्लीज़ बता दो, उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा कोई पॉइंट जो किसी क्लियर ना हो, जी कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, मैंने बताया था कि हमारे पास जो हम दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जो आगे डिस्कशन में आएगा, एक होते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। एक्चुअली क्या है, दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो, अगर कुएं के अंदर मेंढक पड़ा हुआ है तो वो समझता है कि यही दुनिया है। हमें जितना आता है हम ये समझते हैं कि उतनी, तो जैसे जितना मुझे नॉलेज है मैं समझता हूँ इतनी ही दुनिया है, बट मेरे ऊपर ही बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होते हैं राउटेड प्रोटोकॉल और एक होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन द लेयर थ्री ऑफ द ओएसआई मॉडल। राउटेड प्रोटोकॉल का काम होता है डाटा की डिलीवरी करना, और राउटिंग प्रोटोकॉल का काम होता है राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करना। यानी अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने का है तो बीच में रास्ते बने होने चाहिए, रोड बने होने चाहिए, तो रोड बनाने का काम किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल से काम होता है रूट्स बनाना, लॉजिकल रूट्स। राउटर्स के अंदर फिजिकल वायर लगे होंगे, उनको लॉजिकल रूट्स बनाना कौन से रास्ते से ट्रैफिक जाएगा। और डाटा की जो डिलीवरी आप एक जगह से कॉपी करते हो, यू आर डाउनलोडिंग फ्रॉम समवेयर, तो वो किसके थ्रू किया जा रहा है, राउटेड प्रोटोकॉल्स के थ्रू। राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं आईपी, आईपीएक्स एंड एप्पल टॉप, और राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं रिप, आईजीआरपी, ओएसपी, पीजीपी, आईएसआईएस।
अब राउटेड जो प्रोटोकॉल है डाटा की डिलीवरी या इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हैं वो डिलीवरी करेगा, लेकिन कहां पर? आईपी डाटा की डिलीवरी करेगा लेकिन कहां पर? किसी एड्रेस पे तो करेगा ना। तो हमें गलतफहमी ये है पढ़ने के बाद कि आईपी के पर डिलीवरी हो रही है, सॉरी फॉर द आईपी पर डिलीवरी नहीं हो रही है, आईपी के थ्रू मैक एड्रेस पर डिलीवरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शोरूम में कोई सामान बुक किया है तो शोरूम वालों को भी आपके घर का एड्रेस पता है, आपका नाम पता है, आपको भी उसका पता है, बट जो शोरूम से सामान आया होता है वो आ रहा होता है वाया रिक्शे वाला ऑन योर घर के एड्रेस के ऊपर। तो मैक डाटा की डिलीवरी ऑलवेज मैक एड्रेस के ऊपर होती है वाया आईपी एड्रेस होती है, नोट कर लें इस चीज़। डाटा की डिलीवरी होती है आईपी एड्रेस के थ्रू, बट किसके ऊपर? ऑन मैक एड्रेस के ऊपर। जब तक के किसी मशीन का मैक एड्रेस नहीं होगा डाटा विल नॉट बी डिलीवर। करेगा तो कहाँ करेगा? और अगर ऐसे मान लें कि रिक्शे वाला सामान लेकर आता है जो एड्रेस उसके पास लिखा हुआ है, दो मकान है दोनों के एड्रेस से मकान डिलीवर करेगा, वो कहां करेगा? फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब आईपी एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए, मैक एड्रेस भी यूनिक होना चाहिए। अब द क्वेश्चन इज दैट कि ये ए और बी मशीनें को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे एक तो आपने अभी देखा कि आईपी एड्रेस यूनिक हो, एक टर्मिनोलॉजी तो यहाँ से पता लग गई, एक ये भी पता लग गई कि मैक एड्रेस यूनिक हो। मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है, बट जैसे इन्होंने क्या नाम राहुल आपका अरुण, जैसे इन्होंने बताया कि मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं, बट वॉट विल हैपन अगर मैक एड्रेस चेंज कर दिया जाए? बिकॉज आपको यहाँ आने के बाद ये पता लग गया कि मैक एड्रेस आपको यहाँ बैठे बैठे, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे आपने फाइंड आउट कर लिया मैक एड्रेस का ही है। अगली स्लाइड पर देखते हैं। आप क्या करें जिसके घर में दो मशीनें हैं, इन दोनों मशीनों पे ये आईपी डालने के बाद, एक आईपी डाला और दूसरा आईपी डाला, ये डालने के बाद एक तो हम करते हैं पिंग, और पिंग करने के बाद अगर स्पेस माइनस टी लगा दें तो लगातार पिंग हो जाता है। बाय डिफॉल्ट चार पिंग आते हैं, स्पेस माइनस टी करें लगातार पिंग हो जाएगा। जब ये लगातार पिंग हो रहा हो तो आप क्या करें, दूसरी कमांड प्रॉम्प्ट से मैक एड्रेस पता कर लें इसका, बी का। तो मैक एड्रेस आपको पता लग गया किसका? बी का। आप क्या करें कि अगर हम ऐसा कर लें कि ये तो दो मशीनें थी आपके पास, इसका मैक एड्रेस था पहले ए और इसका मैक एड्रेस था बी, ये मैक एड्रेस हमें पता लग गया, तो हमने क्या किया, इसको उठाकर इसका भी मैक एड्रेस क्या कर दिया, बी कर दिया। तो याद रहे कि पहले जब इनका एड्रेस 192.168.1.1 है और इसका है 192.168.1.2, हमने यहां से इसको पिंग ला कर रखा हुआ था, पिंग 192.168.1.2 स्पेस माइनस टी, और ये लगातार पिंग आ रहा था। जैसे ही आप अपनी इस मशीन का मैक एड्रेस ये चेंज करेंगे, कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यहां पर अप्लाई आ रहा है, ऊपर यहां पर अप्लाई आ रहा है जब तक मैक एड्रेस क्या है, ए है। अगर हमने मशीन का मैक एड्रेस बी कर दिया, यानी जो मैक एड्रेस इसका है वही मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, अपने ये कर दिया, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। जाके टेस्ट करें जो बताया जा रहा है, उसको वेरीफाई करें जाके, क्योंकि आगे जितना हम पढ़ेंगे उसका रिलेशन पीछे से है। हाँ, बाय डिफॉल्ट तो मैक एड्रेस सेम नहीं होता, कम्युनिकेटिविटी चलती है, यानी हमें कितनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मशीनों के कम्युनिकेट होने के लिए एक तो आईपी एड्रेस हर एक मशीन का यूनिक हो। दो मशीनों के आईपी एड्रेस सेम हो जाएंगे तो क्या मैसेज आता है, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, बट हमें ये पता नहीं लगता कौन सी मशीन से कॉन्फ्लिक्ट है जब तक के देखें नहीं, ये नज़र नहीं आता कहीं, दोनों मशीन आमने सामने रखें तो नजर आ जाएगा, बट ये नहीं लिखा होता कौन सी मशीन से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा, लिखा हुआ नहीं लिखा होता कहीं पे। आईपी एड्रेस का यूनिक होना दो मशीन की बातचीत करने के लिए, ये सारी बातें आपको लैन के बारे में बताई जा रही हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, वैन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा जब वैन पढ़ेंगे तो। दूसरा चीज, मैक एड्रेस यूनिक हो और ये बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है। ये हमारी जो आईपी एड्रेस जो यूनिक है, हमारी ह्यूमन एरर्स के थ्रू बाय मिस्टेक हम सेम कर सकते हैं, बट
ये बाय मिस्टेक सेम नहीं होता, ये मिस्टेक करने के बाद सेम होगा नीचे वाला, ये फोर्सफुली होगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। दो चीज़ें तो ये जो हर एक को मालूम है। तीसरा चीज, एक टर्म होती है नेटवर्क आईडी का सेम होना। नेटवर्क आईडी तक आज इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हम। नेटवर्क आईडी क्या हो, सेम हो। दो मशीनें तभी आपस में बातचीत करेंगी जब उनके आईपी एड्रेस यूनिक हो और नेटवर्क आईडी सेम हो। नेटवर्क आईडी का मतलब है लॉजिकल बाउंड्री, लॉजिकल घर। जैसे अभी क्लास हो रही है तो मेरी आवाज़ की एक लिमिट है कि वो 50 मीटर जाएगी या 100 मीटर जाएगी, उसके बाद मेरी आवाज़ की बाउंड्री लॉजिकल ख़त्म हो जाएगी। जो मेरी लॉजिकल बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट मेरी लॉजिकल बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इधर दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। चाहे उनको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइनीज़ यहाँ बैठ जाए क्लास में आके, हम लोग अपनी हिंदी में नॉर्मल भाषा में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, हम दोनों मिक्सिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके कानों तक हमारी आवाज़ तो जाएगी। दैट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन का सेम होना। तो अगर एक मशीन ने इको रिक्वेस्ट भेजी और दूसरी मशीन का ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट हो, ये कैसे होगा, जब हम पढ़ेंगे स्विच तब अंडरस्टैंड होगा। अगर उस मशीन का ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट हो जाए, यानी ये पहली कंडीशन भी फुलफिल हो, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो, तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो, बट ब्रॉडकास्ट डोमेन डिफरेंट हो जाए, तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन का सेम होना, ब्रॉडकास्ट डोमेन। इन चारों चीजों में से अगर एक चीज भी अलग हो जाए, यानी ब्रॉडकास्ट डोमेन का सेम होना यानी डिफरेंट हो जाए, बातचीत नहीं होगी। नेटवर्क आईडी का सेम होना डिफरेंट हो जाए, बातचीत नहीं होगी। मैक एड्रेस का यूनिक होना, अगर ये सेम हो जाए सारे, तब बातचीत नहीं होगी। आईपी एड्रेस का यूनिक होना, अगर ये दोनों के सेम हो जाए तो बातचीत नहीं होगी। इन चारों में से एक फैक्टर भी गलत कर दो, बातचीत होगी। ये नेटवर्क आईडी तक तो माल देख लेंगे इंशाल्लाह, बट ब्रॉडकास्ट आईडी हमारे आएगा स्विच के अंदर। इसकी आपको लैब भी, डोमेन भी एक लॉजिकल टर्म है, ब्रॉडकास्ट भी एक लॉजिकल टर्म है। जैसे मैंने आपको भी समझाया, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, जिसके कानों तक जा रही है, चाहे वो समझे या ना समझे, मेरी आवाज़ का वहाँ तक पहुँच जाना कॉमन ब्रॉडकास्ट का होना है। या अंधेरा है टोटल, आपने टॉर्च इग्नाइट की, उस टॉर्च की रोशनी में जितने ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होके नज़र आते हैं, वो उसका लाइट डोमेन है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं टॉर्च जला के जितने ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि एक स्विच से मल्टीपल हमने पीसीज लगा रखे हैं, सारे बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने पोर्ट्स होते हैं उनका ब्रॉडकास्ट डोमेन एक होता है। तो स्विच के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्निकली ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, आपका नाम क्या, अनुराग, तो अगर मैं सिर्फ अनुराग से क्लास में बात करूँ, अनुराग का नाम ले लूँ, तो क्लास में कोई ऐसा है कि जो मैं अनुराग का नाम ले रहा हूँ किसी के कानों में आवाज़ नहीं जा रही है, सबके कानों में जा रही है, ये ड्रॉबैक है ना। अगर मुझे सिर्फ अनुराग से बात करनी है तो मेरी एडजेसेंसी, मेरी आवाज सिर्फ इस तक जानी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट हम सेम लाइन के अंदर हैं, ब्रॉडकास्ट के अंदर हैं। तो स्विच के केस में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं, दो पोर्ट का स्विच हो, चार का हो, 20 का हो, 50 का हो, वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन यू आर सेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक पोर्ट, वो रेस्ट ऑफ द पोर्ट पे चली जाती है, चाहे उनके लिए यूजेबल ना हो। तो अब डिवाइस अगर कनेक्टेड होंगी तो वो उसको ज़रूर सुनेंगी, चाहे वो अंडरस्टैंड करें या ना करें। तो अब बाकी लोग के पास जो आवाज़ जा रही है ये नहीं जानी चाहिए, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्विच के अंदर वाया वी लैन के थ्रू, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, जो हम स्विच के अंदर पढ़ेंगे। तो आपका और हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब हम बोलेंगे आपको सुनाई देगी, आप बोलोगे हमें सुनाई देगी, और किसी को सुनाई नहीं देगी। ये पढ़ेंगे आगे जाके हम स्विच के चैप्टर में कि हब के अंदर और स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन एक होता है, जबकि राउटर में जितने पोर्ट्स होते हैं सबके ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो इतनी जो चीज़ें आपको बताई हैं कि आईपी एड्रेस यूनिक हो, मैक एड्रेस यूनिक हो, ये चीज़ें तो आप घर जाके खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। नेटवर्क आईडी भी आसमान, तीन पार्ट आप घर पे जाके टेस्ट मार सकते हैं, चौथा पार्ट अभी नहीं मार सकते बिकॉज स्विच होना चाहिए, स्विच आपके घर पे नहीं है। स्विच कौन सा, मैनेजेबल, जिसके अंदर हम ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकें। एक वो आते हैं नॉन मैनेजेबल स्विच, जो कि 800-900 रुपये की डीलिंग वगैरह के आते हैं। एक आते हैं मैनेजेबल स्विच, के अंदर हम ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ यहाँ जानी चाहिए, वहाँ जानी चाहिए, वहाँ जानी चाहिए, तो वहीं जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आगे चला जाए। सर, जो अगर जो मैक एड्रेस
हाँ जी जैसे बी कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो ए ने ले लिया था तो आपके पास रिप्लाई ब्लैंक आ रहा है, इट मींस अगर आपको कुछ डेटा डाउनलोड कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, कनेक्टिविटी लॉस दोनों में लॉस हो जाएगी, जिस मशीन से भी आप कम्युनिकेट कर रहे थे, जैसे हमने कहा पहले माइनस की लगा पिंग लगा रखें ताकि पता लगे लगातार पिंग हो रहा है, डाटा जा रहा है, रिप्लाई आ रहा है, और दूसरे जिससे आप पिंग कर रहे थे उसका मैक एड्रेस अपनी मशीन में डाल दें, तो व्हाट विल हैपन कि जो मैक एड्रेस उसका है वो मैक एड्रेस क्या हो गया, आपका हो गया, तो डिलीवरी आपके ऊपर ही हो रही है, सामने तो जा ही नहीं रही है क्योंकि मैक एड्रेस सेम हो गए, डिलीवरी मैक एड्रेस पर होना है, तो मैक एड्रेस आपका खुद का हो गया, यानी जो आर्क के अंदर मैक एड्रेस आया वो मैक एड्रेस आपका अपना खुद का हो गया, मशीन वहीं पर ड्रॉप मार देती है, वो आगे जाती नहीं। नहीं होगी, दोनों का मैक एड्रेस सेम हो गया ना, कहाँ से होगी। जाके दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब तक आप जाके टेस्ट नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि थ्योरी से अंडरस्टैंड हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समझ तो आ जाती हैं लेकिन दिल और दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि आप टेस्ट ना करें। जाके घर जाके टेस्ट करें, कल फिर मैं क्लास के अंदर हूँ आपके साथ में जी। जिन लोगों ने पीसी में आईपी एड्रेस डाला है कहाँ जाके डालते हैं, टीसीपी आईपी विज़ार्ड में डालते हैं, टीसीपी आईपी विज़ार्ड में जब आईपी एड्रेस डालते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाके तो वहाँ देखते हैं जो विज़ार्ड खुलता है उसके राइट हैंड पे टॉप पे लिखा होता है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पे अगर क्लिक करेंगे एक नया विज़ार्ड खुलेगा और लेफ्ट हैंड में जर्नल लिखा हुआ, जर्नल के बाद लिखा हुआ एडवांस, एडवांस पे क्लिक करेंगे वहाँ लिखा हुआ हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रखे होंगे, वहीं एक लिखा होगा नेटवर्क, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो राइट हैंड पे उसी में एक विंडो खुल जाएगी, ब्लिंक करना शुरू कर देगी, वहाँ पे व्हाट एवर दी मैक एड्रेस यू विल एंटर, यू एंटर द कमांड ऑप्शन चेंज हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पीसी को हो सकता है, मैं कैसे कह दूँ कि नहीं होता, और कल को हो गया तो आपको जी आपको पढ़ाना नहीं आता, तो बेटर इज इट जो आते हो तो, मेरे को इतना तो पता ही कैसे चेंज करते हैं, बट हो सकता है पीसी से भी कमांड प्रॉम्प्ट से भी होता हो, राउटर का कैसे चेंज होगा वो मेरे से पूछो तो आई कैन टेल यू कैसे होगा, तो मैं तो राउटर पे खेलता हूँ। चले आगे चलें, सेकेंड टर्म है आईपी एड्रेसिंग। एक था आईपी एड्रेस, एक टर्म है आईपी एड्रेसिंग। नोट करें, मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ। आईपी एड्रेसिंग का मतलब है, नोट करें, आईपी एड्रेसिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। IP addressing consists of following parts. जो IP addressing है वो कुछ पार्ट से मिलकर बनी है। पहला पार्ट planning of IP address, planning of IP address. Second, purchasing of IP address. Third part, designing of IP address. Fourth part, implementation या allocation of IP address. और last part, troubleshooting of IP address. आईपी एड्रेसिंग के अंदर पांच पार्ट्स आते हैं, प्लानिंग, परचेजिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग। मोस्ट ऑफ ही लोगों को पता होता है कि आईपी एड्रेसिंग का मतलब है कि आईपी एड्रेस को एलोकेट कर देना या इम्प्लीमेंट कर देना। नेक्स्ट, इस जो हमने अभी लिखवाया है आपका, इस सबका डिस्कशन आएगा सेपरेटली आगे, नॉट अभी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में कुछ लोगों की राय है कि आईपी वर्जन 4 होता है, कुछ की राय 6 होता है, बट आईपी के जो टोटल वर्जन है वो होते हैं IPv0 से लेकर IPv15, यानी टोटल वर्जन आईपी एड्रेस के 16 हैं, बट पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग की फील्ड में वर्जन 4 एंड IPv6 दो ही वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है,
पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग की फील्ड में। तो नेटवर्किंग में केवल दो ही वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई बाकी कहाँ यूज होते हैं। तो पहला चीज तो है कि ये नेट हम जो पढ़ रहे हैं वो नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, वो नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है। फिर भी अगर कोई पता करना चाहता है तो बुक का नाम है TCP/IP। ये बुक बिलोंग करता है CCIE से, नॉट NA और NP से, जो NP के बाद है। और ये है TCP/IP का Volume 1। TCP/IP और ये है इसका Volume 1 है, Volume 1 TCP/IP। CCIE की बुक है और इसके जो राइटर हैं JEFF DOYEL। बिना इनकी बुक को फॉलो किए हुए कोई भी कैंडिडेट रह नहीं सकता नेटवर्किंग के फील्ड्स में। अल्टीमेट्स बुक्स इन्होंने लिखी हैं मिस्टर जेफ ने, और इनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है बीए है, क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है सर मैंने बीए किया हुआ, बीकॉम किया, मैं एंटर हो पाऊंगा नेटवर्किंग में। इनका स्टार्टिंग क्वालिफिकेशन बीए था। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद इन्होंने CCIE किया, और इनका CCIE नंबर है 1919। और अभी ये IPv6 के ऊपर काम कर रहे हैं लेटेस्ट है। तकरीबन एज इनकी मोर देन 65 से ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे वर्जन्स के बारे में इन्होंने मिस्टर जेफ ने लिखा हुआ है, बट इन्होंने भी चूंकि बुक नेटवर्किंग की लिखी है TCP/IP, दैट्स वाई इन्होंने एक पेज के ऊपर एक टेबल बना रखी है कि कौन से वर्जन कहाँ यूज होंगे, कौन से रिजर्व्ड हैं, कौन से फीचर प्लान हैं। ठीक है, तो इसमें मैं डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं, तो आप बोल सकते हैं भाई 16 वर्जन होते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाले को भी ना पता हो, क्योंकि 4 मालूम है और आज के डेट में 6 हो गया होगा, बट यू कैन कोट 0 से लेके 15 होते हैं। बुक का नाम ये उसको बता दें। अगर आपको रेफरेंस कोट करने याद रहेंगे तो प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप नीचे डाउन नहीं जाओगे। ठीक है, अभी जो हमें स्टडी करना है वो सिर्फ वर्जन 4 के बारे में ही करना है, तो सिर्फ 4 के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ IPv4। IPv4 के बारे में हम ये जानते हैं कि वो 32 बिट्स का बाइनरी नंबर है। और इसके अंदर 4 ऑक्टेट एग्जिस्ट करते हैं, और एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। और इनकी जो स्टेट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? 0 या 1, दोनों एक साथ कभी लाई नहीं। तो अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट की स्टेट 0 हो जाए तो ये वैल्यू हो जाती है 0 in decimal। और अगर सारी बिट्स की वैल्यू हम 1 कर दें तो ये कितना आ जाता है? 255 in decimal। ये जो मैंने लिखा है कि 255 हो जाएगा सारा, सबको आता है समझ कैसे हो जाएगा? याद ही रहे कि आईपी एड्रेसिंग के अंदर ये जो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप आईपी एड्रेसिंग लाइफ में नहीं सीख सकते। तो जिन लोगों को आईपी एड्रेस में कोई दिक्कत है वो क्या करें कि यहाँ पे इसमें कन्वर्जन में 80 स्केच कर लें और ये पावर ज़रूर याद करें, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। अब यहां पर 255 क्यों हुआ? बिकॉज जो बिट्स 1 थी उनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 0000001001, ये कितने के बराबर होगा? 9 के, बिकॉज 8 और 1 को हमने ऐड कर दिया है। या अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास 15 लिखा हुआ है डेसिमल के अंदर, व्हाट इज बिल विद द बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा इसका?
फोर टाइम जीरो हो जाएगा यहाँ पे और फोर टाइम सेवन हो जाएगा। तो ये सी सी एन ए का पार्ट नहीं है, आप इस पर जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, बिकॉज जब हम सबनेटिंग करेंगे तो सब कुछ इस पर डिपेंड होगा। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, जो हमने यहाँ लिखा है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इनके पहाड़े या टेबल्स जो आप पढ़ते ना 2, 1, 2, ये आपने याद करना है, इट्स योर ड्यूटी। एक का टेबल आपको याद है, अरे को दो का, चार का, आठ का, सोलह तक तो याद है, 32, 64 और 128 का टेबल कैसे याद करना है और कहां तक करना है वो मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक ऑक्टेट की जो रेंज हो गई वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेके 255 तक, और कितने ऑक्टेट होते हैं, 4। चलिए आगे, सबका नोट हो गया। तो आईपी वर्जन 4 में हम करते क्या है कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट का एक ग्रुप होता है और उसको हम सेपरेट करते हैं एक डॉट से, इट्स ए स्टैंडर्ड जो कि आईना ने बनाया हुआ है। ये लेट से ग्रुप 1 आ गया, ये ग्रुप 2 हो गया, फिर ये ग्रुप 3 हो गया और ये ग्रुप 4 हो गया। तो इस बिहाफ के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास वर्जन 4 की जो डिफॉल्ट रेंज आने वाली है 0 to 255 होगी हर एक ऑक्टेट के अंदर, यानी ये जर्नल फॉर्मेट हो गया वर्जन 4 का। इस जर्नल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टोटल आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 में आते हैं, टोटल आईपी एड्रेस जो आते हैं, ये आते हैं 2 की पावर 32, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4.3 बिलियन। यानी इतने आईपी एड्रेस या इतना बड़ा स्पेस एग्जिस्ट करता है वर्जन 4 में, फिर भी खत्म हो गया। यही अब हमें स्टडी करने हैं, कैसे कैसे कब कब कहां कहां खत्म हुआ है। अब स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था कि आईपी एड्रेस एक यूनिक नेम है या आईडी है किसी भी होस्ट का। अब जस्ट आप ऐसा इमेजिन कर लें कि ये 4.3 बिलियन जो आईपी से मान लें कि 4.3 बिलियन कैंडिडेट एक खुले स्पेस में इकट्ठा है, और उस 4.3 बिलियन के अंदर आपका कोई फ्रेंड जानने वाला भी है जो आपसे बिछड़ गया है, कितनी देर में मिल जाएगा, हाँ जी, या वो कहीं स्पेसिफिक जगह पर है, आप उसको ढूंढना चाहें तो कितनी जल्दी मिल जाएगा, और आपको जगह मालूम ना हो कहां पर मौजूद है। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए नेटवर्क एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे 4.3 बिलियंस में आते हैं, बट उनको सर्चिंग फास्ट करने के लिए हमने क्लासेस डिवाइड कर दी, कैटेगरीज बना दी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि भाई आप कहाँ रहते हो और आपका आंसर ये हो कि मैं दुनिया में रहता हूँ, तो दुनिया में तो मैं भी रहता हूँ, दुनिया में तो सारे रहते हैं, कहाँ सर्च करेंगे, कोई स्पेसिफाई लोकेशन तो हो ना। ठीक है, आपके घर का एड्रेस D111 है, वो D111 कहाँ है, नोएडा के अंदर ही बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट हमने IPv4 एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लास फुल आईपी एंड सेकंड इज क्लास लेस आईपी, क्लास फुल आईपी और दूसरा क्लास लेस आईपी। क्लास फुल आईपी को फर्दर डिवाइड किया गया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई के अंदर। क्लास फुल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया,
और ये सारा जो किया जा रहा है ये आयना ने केस का नाम ने स्टार्टिंग में लिखा था, इंटरनेट डिजाइन नंबर अथॉरिटी ने। क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट है उसकी रेंज 0 से लेके 127। सेकंड क्लास बी के अंदर जो पहला ऑक्टेट है वो 128 से लेकर 191। क्लास सी का फर्स्ट ऑक्टेट 192 से लेकर 223, 223। क्लास डी 224 से लेकर 239 और क्लास ई 240 से लेकर 255। हर एक क्लास के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट हैं वो 0 से लेकर 255 तक ही लाई करते हैं। अब जो क्लासेस आपके सामने हैं ए बी सी डी ई, पांच क्लासेस, इन क्लासेस में से तीन क्लासेस ए बी एंड सी, सिर्फ इन तीन क्लासेस का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है नेटवर्किंग के अंदर। अभी तो कुछ देर पहले हमने बताया था कि आईपी वर्जन 4 और 6 नेटवर्किंग में होगा, बट और इन डेप्थ गए तो पता लगेगा कि वर्जन 4 के अंदर जो नंबर ऑफ आईपी उनमें से केवल एबीसी नेटवर्किंग में यूज होगा। क्लास डी का इस्तेमाल होता है मल्टी कास्टिंग और क्लास ई रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के लिए, रिसर्च के लिए या फ्यूचर पर्पस के लिए। अब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्टडी पहले से कर रखा हो आईपी एड्रेस का, कुछ बुक्स में क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 भी होती है, बट याद ही रहे कि अगर ये रेंज किसी ने लिखा है तो उसके आगे उसको लिखना जरूरी है वैलिड आईपी रेंज, क्योंकि ये डिफॉल्ट रेंज है 0 से लेके 127। या लिखा हो इसके आगे यूजेबल रेंज जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जीरो हम इस्तेमाल नहीं करते। 127 क्या होता है, ये जीरो क्या होता है, नल एड्रेस होता है। और जो 127 है ये लूप बैक एड्रेस होता है अपने लैंड कार्ड को, एडाप्टर को टेस्ट करने के लिए, यानी पिंग 127.0.0.0.1। ये आपके पास लूप बैक एड्रेस है। तो जो यूजेबल रेंज जो मशीन में पड़ेगी वो 1 से लेकर 126 तक पड़ती है। एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ सकता है कुछ बुक्स में, इन दोनों का नाम दे रखा है क्लास डी, इन दोनों का नाम क्या दे रखा है, क्लास डी। ये तो 100% गलत है। ये जो आपको हमने लिखे हैं जितने वाइट कलर से लिखे हैं ये उसी बुक से लिखे हैं जिसका डिस्कशन स्टार्टिंग में किया गया था, DCP/IP Volume 1 रिटन बाय ज़ेफ। तो जितने वाइट कलर में लिखे गए ये सारी की सारी रेंजेस करेक्ट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी जिस बुक में अगर ये लिखा हो कि क्लास डी की रेंज आप 224 से लेकर और 255 तक आती है, ये गलत है, इट्स नॉट राइट। पीसी में मैंने क्वेश्चन पुट अप किया था स्टार्टिंग में कि पीसी में आईपी एड्रेस किन किन लोगों ने डाला, कितने लोगों ने डाला पीसी में आईपी एड्रेस, कभी क्लास डी का एड्रेस डाला किसी ने, मना थोड़ी किया था अभी, है डाला, क्या कहता है, एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप टीसीपी आईपी के अंदर जाने के बाद, अगली स्लाइड ये नोट होगा, इसलिए हम जब पीसी में आईपी एड्रेस डालते हैं तो एक फील्ड क्या होती है, आईपी की फील्ड होती है, एक किसकी होती है, मास्क की फील्ड होती है, एक की फील्ड क्या होती है, गेटवे की फील्ड होती है। कितनी फील्ड्स आपके पास होती हैं, आईपी के आगे आप लिखते हो आईपी एड्रेस यहाँ पे, तो अगर आईपी अगर आप डालें जाके फॉर एग्जांपल 2-2 और अगर किसी ने 2-2 लिखा, ठीक है, जैसे ही आप 4 लिखोगे यहाँ पे
आप कहाँ पहुँच गए, क्लास डी के अंदर 24 पहला अपडेट। जैसे ही आप ये लिखोगे एक मैसेज आपको पॉपअप की शेप में आएगा लिखा हुआ, और यहाँ लिखा होगा इनवैलिड रेंज, इनवैलिड रेंज, और यहाँ लिखा होगा 1 से लेके 223, और इसके बारे में लिखा होगा ये है वैलिड रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क डिवाइस सिर्फ ए क्लास लेते हैं और बी और सी। सब कम से कम पीसी में जो एड्रेस, अगर किसी ने पीसी में ये एड्रेस डालने की भी कोशिश की ना 0 डॉट, तब भी यही मैसेज आने वाला है। मशीन के अंदर कम से कम जो एड्रेस पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 1.0.0.1, और आखिरी आईपी एड्रेस पीसी में जो पड़ेगा 223.223.255.255.254। अभी 254 ही क्यों होगा, 5 क्यों नहीं होगा, आगे इसका डिस्कशन आगे आएगा। तो ये रेंज है जो हम मशीन के अंदर डाल सकते हैं, नहीं इट्स एन आई नेटवर्क आईडी हो जाएगा। एक टर्म आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ऑल जीरोस एंड ऑल वंस आर नॉट अलाउड इन नेटवर्किंग। बेसिकली जो ऑल जीरोज हैं और ऑल वंस हैं ये क्या हैं, ये आपकी लॉजिकल बाउंड्रीज हैं। ये जो ऑल जीरोज और ऑल वंस हैं ये आपकी लॉजिकल बाउंड्रीज हैं। जो कि किसी आईपी एड्रेस को सर्च करने में हमें आसानी देते हैं। इसको ऐसी मान के चलने कि अगर आपने प्लॉट खरीदा है 100 मीटर का, तो क्या अपने घर की चार दीवारी नहीं करते हो, तंबू लगा थोड़ी रहते हो। अगर हम ऐसे करें सारे लोग प्लॉट ले लें और वो चार दीवारी ना करें, क्या प्रॉब्लम होगी, कोई भी किसी के जोन में एंटर हो सकते हैं, बिकॉज कोई बैरियर तो है नहीं ना। तो यहाँ पर जो ऑल जीरोज हैं और ऑल वंस हैं ये लॉजिकल बाउंड्रीज हैं। ऑल जीरोज जब होते हैं तो वो नेटवर्क आई डी कहलाती है, और ऑल वंस जब होते हैं तो वो बी आई डी कहलाती है। ऑल जीरोज हैं किसके अंदर, होस्ट फील्ड के अंदर। आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में पहुंचेंगे भी कि अगर सारे जीरोज हो जाएं होस्ट फील्ड के अंदर, चूंकि आई पी एड्रेस के दो पार्ट्स हैं, आगे पढ़ेंगे, एक नेटवर्क की बिट्स है और एक होस्ट की बिट्स है। तो ऑल जीरोज एंड ऑल वंस का रिलेशन है यहाँ पर होस्ट की बिट्स के साथ, कि अगर होस्ट की बिट्स के अंदर, थोड़ी देर में अभी आएंगे, यानी अगर सारी होस्ट बिट्स जीरो हैं तो वो कहलाती है नेटवर्क आईडी, और अगर सारी होस्ट बिट्स वन हैं तो वो कहलाती है वी आईडी। ये हमारी लॉजिकल बाउंड्रीज हैं। तो जो आईपी एड्रेस की आपने डेफिनेशन लिखी थी थोड़ी देर पहले, आईपी एड्रेस इज ए यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट, वहां पर दोबारा चले जाएं उस पेज पे और ब्रैकेट में जाकर लिख लें, ये डेफिनेशन ओनली रिलेशन रखती है क्लास ए से बी से और सी से, विद रेस्पेक्ट टू किसके, ए बी सी के। यानी यहाँ पे जो लिखा है आपने इट्स ए यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट, ये सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू क्लास ए है, बी है और सी है, ए बी एन सी। रीजन, क्लास डी का एड्रेस तो मशीन लेती नहीं है, जब मशीन उसका एड्रेस लेती नहीं है तो फिर वो यूनिक आईडी तो ही बनेगा नहीं। और याद रहे नॉट पीसी, एनी नेटवर्क डिवाइस, दुनिया की किसी भी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर या तो ए का एड्रेस होगा या बी का होगा सी का, और डी का एड्रेस होता ही नहीं। अब डी का एड्रेस कहाँ होता है, क्या यूज होता है, मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्ट क्या होती है, थोड़ी देर में देखते हैं अभी। जो नेटवर्किंग है वो एक लॉजिकल टर्म है। एक पीसी अगर सेपरेट रखा हो, उसकी कनेक्टिविटी किसी दूसरे से ना हो, तो स्टैंड अलोन पीसी, अलग थलग पड़ा हुआ है।
जब एक पीसी से दूसरा पीसी या लैपटॉप अटैचमेंट कर दिया तो अब लैंड फॉर्मेट हो गया, चाहे वो हब के थ्रू या डायरेक्टली क्रॉस केबल के थ्रू, तब लैंड का फॉर्मेशन आ गया। तो लैंड के ऊपर आपने दो मशीनों में अगर बातचीत करनी है तो आईपी एड्रेस पहले डालने का, आईपी एड्रेस जब पड़ेगा तब उनके अंदर लॉजिकल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी, फिजिकल तार लगाने से बातचीत नहीं होगी जब तक कि आईपी एड्रेस ना डाला जाए। अब आता है एक टर्म मल्टीकास्टिंग। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन हर एक ने पढ़ी होंगी कॉलेज में, एक टर्म होता है यूनिकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, और ये तीन टर्म ऐसे कंफ्यूजिंग है कि इसका आंसर मुझे आज तक तो किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया। क्या होता है वन टू वन, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट क्या होता है, वन टू मैनी, ब्रॉडकास्ट वन टू वन, इसके अलावा कोई आंसर, इसके अलावा कोई आंसर मेरे को नहीं मिलता। अगली स्लाइड पर देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इसको ढंग से समझें, क्योंकि इंटरव्यू में वो जब पूछेगा कि यूनिकास्ट क्या होता है, वन टू वन, मल्टीकास्ट वन टू मैनी, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, आप इतने ही आंसर देंगे वो भी बेचारा सेटिस्फाई हो जाएगा, जो उसने बेचारे ने भी कभी टेस्ट नहीं किया हुआ। हम तीन टर्म में डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक टर्म यूनिकास्ट, यानी जो आईपी है, आईपी का जो नेचर है, आईपी का जो बातचीत करने का तरीका है दूसरी मशीन से, वो यूनिकास्ट बिहेवियर हो सकता है, वो मल्टीकास्ट बिहेवियर हो सकता है, वो ब्रॉडकास्ट बिहेवियर हो सकता है, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट। ये बुक्स के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग होता है वन टू वन, वन टू मैनी, और ये होता है वन टू ऑल। आपके कहे अनुसार अगर हम ऐसा करें कि एक यहां पर स्विच अटैच कर दें हम मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, लेट्स से नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं यहां पे, ये लेट्स से मशीन ए है, ये बी मशीन है, ये सी मशीन है और ये डी मशीन है, ये चार मशीन हमने अटैच कर दी। ए मशीन का नाम है लेट्स से 192.168.1.1, इसका नाम लेट्स से .2 बिकॉज इतना कॉमन है के अंदर, इसका लेट से .3, इसका .4, ये सारी मशीनें किससे कनेक्टेड हैं, स्विच से कनेक्टेड हैं। अगर हम ऐसा मान लें कि हम जो सारा ट्रैफिक इनिशिएट करना चाहते हैं वो लेट से इसको मान के चल लेते हैं, जो ए मशीन है वो हमारी सोर्स मशीन है, हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे बैठे हुए हैं, लेट से हमारा सोर्स मशीन है। तो अगर हमने ए मशीन से सिर्फ बी मशीन को कम्युनिकेट किया, सी और डी को छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, और हमने इस ए मशीन से बी को भी कम्युनिकेट किया हो और ए से सी को भी किया हो और डी को छोड़ दिया हो, तो क्या हुआ, और हमने ए से बी को भी किया, लेट से ए से सी को भी किया और ए से डी को भी किया, तो अब क्या बोलेंगे इसको, डायग्राम बनाया नोट करें, जो भी आपने बोला है वो सब यूनिकास्ट है, ना तो उसमें कोई ब्रॉडकास्ट है ना ही कोई मल्टीकास्ट है। कैसे, तकरीबन 15-20 मिनट लेंगे समझने में, पहले इतना नोट कर लें और सुकून के साथ सुने, क्योंकि नई चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, मानने के लिए दिमाग और दिल तैयार नहीं होता है, सुन लें पहले, ये डायग्राम बनाएं और इसके आगे जो आपने लिखा था यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, आगे नोट में लिख दें, सारे की सारे यूनिकास्ट हैं, ना तो इसमें कोई मल्टीकास्ट है ना ही कोई ब्रॉडकास्ट है। ये डायग्राम समझाने के लिए दोस्त और समझने के लिए तो आसान है, बट इट्स नॉट ही ट्रुथ, जो आपने बोला इट्स नॉट ही ट्रुथ, सब यूनिकास्ट है।
चलें भी आगे डायग्राम बन गया। चलें भाई आगे, हो गया सबका। अब सबसे पहले हम देखते हैं यूनिकास्ट, समझते हैं पहले यूनिकास्ट होता क्या है। आप लोगों ने यूनिकास्ट में लिखवाया है अभी 1-2-1 और मैक्सिम बुक के अंदर ये लिखा होता है। अच्छा, जब भी कोई मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना चाहेगी तो उसके अंदर सोर्स आईपी भी होगा एक, और जिससे कम्युनिकेट करना चाहेगी उसका एक डेस्टिनेशन आईपी भी होगा। उसके लिए वो सोर्स है बट आपके लिए डेस्टिनेशन हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले बताया गया कि मशीन जो एड्रेस एक्सेप्ट करती है कौन सी क्लास करती है, जिन्होंने ना देखा हो आज जाके घर देख लें कि इस डी का एक्सेप्ट नहीं करती। तो मशीन एड्रेस एक्सेप्ट करती है ओनली क्लास ए बी और सी का, ये बात 100% ट्रुथ है, इसमें कोई दोराय नहीं है। दूसरी बात, जब भी मशीन पे आप आईपी एड्रेस डालते हो, क्या दो मशीनों को सेम डालते हो? नो, हर एक मशीन पे यूनिक आईपी पड़ा होता है, या तो ए का पड़ा होगा या बी का पड़ा होगा या सी का पड़ा होगा। और ये भी याद रखें कि अगर एक मशीन से दूसरे मशीन पे बात करनी है और लैन के ऊपर है आमने सामने है, तो दोनों के आईपी एड्रेस यूनिक हों और दोनों की नेटवर्क आईडी सेम हो, दोनों के मैक एड्रेस अलग अलग हों और ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हो, जो पीछे पड़ा है वो सारा कॉमन चलेगा। तो अगर ऐसा हो जैसे कि आपके पास ये डायग्राम है कि अगर हमने ए मशीन चूज की, इसका मैक एड्रेस लेट से ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ए मशीन का जो नाम है वो 1.1 है, इसका .2, इसका 3 और इसका 4। तो सोर्स मशीन का जो नाम है वो है 192.168.1.1 फॉर एग्जांपल, 192.168.1.1 ये किससे कम्युनिकेट करना चाहती है? डेस्टिनेशन से। तो डेस्टिनेशन मशीन के अंदर भी एड्रेस ए का ही होगा, बी का ही होगा, सी का होगा, ए का होगा और बी का होगा और सी का होगा। डेस्टिनेशन मशीन का के अंदर, यानी डेस्टिनेशन आईपी की जो फील्ड है, एक तो है सोर्स आईपी की फील्ड और एक है डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड। तो सोर्स आईपी की फील्ड में जो आपने पैकेट भेजा उसके अंदर सोर्स आईपी एड्रेस लेट से ये था जो क्लास एबीसी का था, और डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी उसके अंदर भी क्लास एबीसी का एड्रेस था और वो भी यूनिक था। फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.2। तो अगर मुझे आप ये बताएं, जब आपने इस ए मशीन से इस बी मशीन को लिखा पिंग, यहां से अगर आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल पिंग 192.168.1.2, तो अप्लाई किससे आएगा, 3 से या 4 से, किससे आएगा? तो मैसेज किसके लिए भेजा आपने? 2 के लिए। और अगर आप लिखते हो पिंग 192.168.1.3 तो 4 पर भेजा, तो आप तो 1-2-1-2 कर ही रहे हो। यू आर सेंडिंग दी यूनिक या सेपरेट डाटा स्ट्रीम फॉर ईच डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अगर ये होता कि आप एक बार बोलते और सारी मशीनें जवाब देती तो 1-2-1 हो जाता। अगर ये होता आप एक बार बोलते और मशीन बी और सी जवाब दे देती तो मल्टीकास्ट हो जाता, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। तो यूनिकास्ट में आप क्या कर रहे हैं, सेंडिंग यूनिक डाटा स्ट्रीम या डेटा स्ट्रीम फॉर ईच डेस्टिनेशन आईपी। हर एक डेस्टिनेशन आईपी के लिए आप यूनिक या सेपरेट डाटा स्ट्रीम भेज रहे हैं, अलग अलग भेज रहे हैं, कॉमन नहीं भेज रहे हैं।
अगर आप सबके लिए कॉमन डाटा स्ट्रीम भेजते और सारे जवाब दे देते तो क्या होता, ब्रॉडकास्ट हो जाता। कुछ जवाब दे देते तो मल्टीकास्ट हो जाता। तो अब चाहे एक मशीन एक से कम्युनिकेट करे, एक मशीन लाख मशीनों से कम्युनिकेट करे, मिलियंस ऑफ मशीन से कम्युनिकेट करे, बट उनका नाम ले लेकर करे तो क्या हो रहा है, ओनली एक ही डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। ब्रजेश कुमार कल क्लास में मत आना, आपका एडमिशन नहीं होगा। सुना तो सारे लोगों ने ना, बट पता नहीं ले लूंगा कोई बात नहीं। मैंने बताया है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट का माइंड प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ है। यूनिकास्ट के अंदर ऐसा तो हो सकता है कि वो शेयर सेगमेंट में कनेक्टेड हों, हब और स्विच से किसी एक को इन्फॉर्मेशन भेजी जाए, सबके कानों तक तो जाएगी, बट प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन होगा, जिसका नाम पुकारा जाएगा। सिमिलरली ए मशीन ने जब 192.168.1.1 ने जब इंफॉर्मेशन भेजी .2 के लिए, कनेक्टेड तो सारे थे, आवाज़ तो सबको आई, प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हुआ, केवल एक मशीन। तो इफ़ यू आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन और एक ही डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है आपके डाटा स्ट्रीम भेजने के बाद, तो 1-to-1 ही बातचीत हो रही है। क्लास में अटेंडेंस बोल रही है, हर एक का नाम ले लेकर बोल रहे हैं, एक ही कैंडिडेट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, सुन तो सारे का। तो मकसद है प्रोसेस में इन्वॉल्व कितनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम पैकेट भेजते हैं जिसका बिहेवियर यूनिकास्ट है तो केवल एक ही डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। तो यूनिकास्टिंग के अंदर सोर्स आईपी की फील्ड में भी जो नाम होगा वो क्लास एबीसी से होगा और यूनिक आईपी होगा। डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में भी एबीसी से ही होगा, डी का एक्सेप्ट मशीनें करती नहीं है, और उसके अंदर भी क्या होगा, यूनिक आईपी होगा। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये ऑलवेज यूनिकास्ट होगा, 100% प्रूफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपके? सर, इसमें अगर हम आईपी की टर्म में बात करें तो जो कम्युनिकेशन है, अगर मान लो हमारा सोर्स आईपी क्लास ए का है और डेस्टिनेशन आईपी क्लास बी का हो सकता है, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो राउटर बीच में आ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द लैन राइट नाउ। जब लैन समझ में आ जाएगा वैन अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैन इज द ग्रुप ऑफ द लैन। कम्युनिकेशन पॉसिबल है बट वाया रूटर, अभी तो हम लैंड की बात कर रहे हैं ना, हमने समझ पहले लैंड समझ लो, वैन तो कुछ समझ में आ जाएगा। राउटर जब डिफरेंट नेटवर्क पे जाओगे तो आप डायरेक्टली रीच नहीं कर सकते, डिफरेंट जो नेटवर्क है इससे डिफरेंट लैंग्वेज है। 192.168.1.2 एक डिफरेंट लैंग्वेज है और 10 का नेटवर्क डिफरेंट लैंग्वेज है, तो बीच में एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज आती हो, दैट इज द रूटर। वो जब भी भेजेगा वो ब्रॉडकास्ट नहीं भेजता, वो ऑलवेज यूनिकास्ट भेजता है। वो आगे पढ़ेंगे। सर, अगर हम दो सिस्टम सिंपली कनेक्ट कर गए और एक में ए की आईपी और बी की आईपी डाल दें तो कनेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कनेक्ट होगी, बीच में दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी होंगे, दो डिफरेंट नेटवर्क जब भी कम्युनिकेट होंगे उसके लिए राउटर बनाया गया। हाँ जी, शो करेगा? नहीं, शो कुछ नहीं करेगा, आपके पास आरटीओ आना शो हो जाएगा, क्योंकि रीजन इज दैट अभी हमने आपको एंडिंग प्रोसेस नहीं बताया, एंड नेटवर्क आईडी नहीं बताया। नेटवर्क आईडी तकरीबन अभी बताएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि रिक्वेस्ट प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम डिवाइस पे आईपी एड्रेस डालते हैं, जिन लोगों ने देखा हो तो आप देखते हो, एक टर्म होता है मास्क। आप पीसी में मास्क डालें या ना डालें, आप गलती से क्या करें कि जब क्लास सी का आईपी डालें तो मास्क डालना चाहिए था 555.0, घर जाके ना डालें उसको, ओके कर दें, मशीन एक वार्निंग मैसेज देगी, कुछ फील्ड आपने छोड़ दिए, फिर खुद ले लेगी, कुछ तो करती है ना, उसका क्या करती है, नेटवर्क आईडी निकालती है, कैसे देखेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल पहले ये समझ जाए। तो ये हुआ यूनिकास्ट। अगर सोर्स आईपी की फील्ड में भी आईपी एड्रेस है क्लास एबीसी का और डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड के अंदर भी एबीसी का एड्रेस हो और वो भी यूनिक ही होने, सेम नहीं सेम होगा तो फिर कनेक्टिविटी नहीं होगी आपके पास। तो यहां पर इस मशीन का एड्रेस ये था, जिससे बात करनी थी उसका ये था, आपने पिंग किया, वहाँ से सिर्फ यही मशीन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, .3 लिखेंगे तो .3 इन्वॉल्व होगा, चला जाएगा। मल्टीकास्ट समझने से पहले ब्रॉडकास्ट अंडरस्टैंड कर, चले आगे नोट हो गए। ब्रॉडकास्ट के माने आपने लिखवाए थे 1 to all,
यानी यहां पर हम केवल एक डाटा स्ट्रीम भेजेंगे सारी ही डेस्टिनेशन आईपी के लिए और सारी जवाब भी देंगे। यहां भेजेंगे सिंगल डाटा स्ट्रीम फॉर ऑल डेस्टिनेशन आईपी, सारे डेस्टिनेशन आईपी के लिए केवल एक ही डाटा स्ट्रीम भेजेंगे और सारे जवाब भी देंगे। तो यहां पर एक टर्म है सोर्स आईपी की फील्ड, सोर्स आईपी की फील्ड में यानी जब भी पैकेट किसी मशीन से एग्जिट होगा तो वो क्लास ए का ही होगा या बी का होगा सी का होगा, क्योंकि मशीन एड्रेस लेती नहीं है मशीन या कोई भी नेटवर्क डिवाइस डी का, और वो यूनिक भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.1। दूसरी फील्ड आएगी डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड। अब डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में एक तो हमने बताया था पीछे एड्रेस हो एबीसी का, अब एबीसी का एड्रेस नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में ये एड्रेस लिखा हुआ है 255 255 255 255। डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में किसी का नाम नहीं है, डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में 32 बिट्स को वन करके भेजा जा रहा है, ये कहलाता है लेयर थ्री ब्रॉडकास्ट। जितनी भी डिवाइस आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करती हैं या आईपी पे काम करती हैं, एवरी डिवाइस विल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड दैट डिवाइस विल रिप्लाई टू द सेंडर मशीन या सोर्स मशीन को रिप्लाई करेगी। यानी हर एक मशीन के अंदर पहले से ही ये लैंग्वेज डाल के रख दी है कि अगर कोई पैकेट आपके पास आता है तो उसके अंदर एक सोर्स आईपी की फील्ड होगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने रिप्लाई किसको करने का है। एक डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड होगी, अगर आप उसको खोल के देखते हैं उसके अंदर आपका अगर नाम है तो आपने रिप्लाई करना है, और अगर आपका नाम नहीं तो आपने रिप्लाई नहीं करना है। बट अगर 255 255 255 255 आता है तो आपका चाहे नाम है या नहीं है आपने आंसर देना ही देना है। इसको भी हम टेस्ट करा सकते हैं बट नॉट राइट नाउ, पहले आप राउटिंग कर लें फिर समझाएंगे कैसे। हम जो पिंग करेंगे, अब पिंग ये नहीं कर रहे 192.168.1.1 पिंग नहीं कर रहे, हम पिंग कर रहे हैं 250 पिंग 255 255 255 255। और जब हम ये पिंग करेंगे तो कोई सी भी डिवाइस जो अटैच होगी वो सारी की सारी हमें रिप्लाई करेगी। टेस्ट करेंगे नॉट अभी, राउटिंग कॉन्सेप्ट समझने के बाद, नॉट राइट नाउ समझने के कॉन्सेप्ट को फिलहाल। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर वी आर सेंडिंग ओनली वन पैकेट, एक पैकेट भेज रहे हैं, सिंगल पैकेट भेज रहे हैं जिसमें सोर्स आईपी है जिसमें डेस्टिनेशन आईपी है। तो जितनी भी डिवाइसेस आपके पास लगी होंगी इसके अंदर क्या नाम है स्विच के अंदर, वो सारी की सारी आपको रिप्लाई कर रही होंगी। और सभी की आईपी 255.255 डेस्टिनेशन आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी। ये ऐसी मान के चल रहे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करने के बाद ये बना देता हूँ और ये कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ, क्या बनाया मैंने यहाँ पे, तो मैंने बोला था ना उसमें को बनाया, मैंने तो नहीं मैंने बोला ना उसमें को बनाया, मैंने कब बोला, ये क्या मैंने तो नहीं बोला ना पहले, कि बचपन से हमारे दिमाग में हार्ड कोड हो चुका है बचपन से। ऐसी ही हर एक डिवाइस जब बनाई जाती है तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द डिवाइस ये डाल दिया जाता है 255 255 255 255। अगर डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में है आपने दौड़ के सोर्स के पास जाने का है।
ये पहले से प्री डिफाइंड प्रोग्राम है जिसको हम फिर स्नीफर के अंदर ही देख सकते हैं कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें तो पता आएगा रिप्लाई आ रहा है इसका, अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये हो रहा होगा। मल्टीकास्ट को समझना सबसे ज्यादा टफ है, कम टू दी मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट के अंदर पिंग करते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं, आगे बोले ब्रॉडकास्टिंग वहां पिंग करेंगे स्पेसिफिक टू दी नेटवर्क आईडी। आपका नाम क्या है? सिकंदर आजम। सिकंदर आजम, अगर मैं यहाँ से रहते गए जामिया, अगर मैं यहाँ से सिकंदर आजम नाम पुकारते चला जाऊँ तो एक सिकंदर आजम तो नहीं होगा जामिया, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बट अगर जो एड्रेस आपने दिया हो मुझे उस एड्रेस पर जाकर अगर मैं सिकंदर आजम पुकारूँ तो फिर एक ही निकल कर आएगा। तो इन केस ऑफ दी जब हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि आईपी एड्रेस दो चीज़ से मिलकर बनाए, नेटवर्क आईडी और नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट्स से मिलकर बनाए, तो वहाँ पर एक टर्म और आएगा नेटवर्क आईडी। हर एक डिवाइस का एक लॉजिकल घर होता है, तो हम उस लॉजिकल घर पर जाकर पुकारेंगे। जैसे यहाँ पीछे अगर मुझे इस डिवाइस से इसको पुकारना हो, पिंग करना, मैं पिंग तो करता हूँ 192.168.1.2, बट ये मशीन जब इसको पुकारती है तो उसका ब्रॉडकास्ट होता है 192.168.1.255, इसका ब्रॉडकास्ट ये होता है। बिकॉज इस मशीन का जो लॉजिकल घर है वो होता है 192.168.1.0, यानी जितनी मशीनें आपके सामने .1, .2, .3, .4 ये सारी की सारे का जो लॉजिकल आईडी घर है वो यहाँ से शुरू होता है। इनको हमें सर्च करना हो तो हमें पहले यहाँ पहुँचना होगा और यहाँ जाके हमें आवाज़ देनी होगी यहाँ से 255 से। तो सिर्फ क्या होगा, वही डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी जो इस घर के अंदर लाई करते हैं, बाकी नहीं होंगी। ये ब्रॉडकास्ट किसके लिए? सिर्फ इस घर के लिए। और ये जो ब्रॉडकास्ट आपके पास है, ये ब्रॉडकास्ट है 4.3 बिलियन मशीन के लिए, ये सबके लिए ब्रॉडकास्ट है, चाहे वो 10 का हो, चाहे 20 का हो, व्हाटएवर किसी का भी हो, बट वो जो ब्रॉडकास्ट है स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट है, इसका डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। मल्टीकास्ट का मतलब है 1 to many, यहां पर भी सिंगल डाटा स्ट्रीम है। फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप, किसी एक ग्रुप के लिए, यहां पर भी सोर्स आईपी की फील्ड होगी। सोर्स आईपी की फील्ड में क्लास ए ही होता है, बी ही होता है और सी होता है, और वो एड्रेस अपने में यूनिक होता है। डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में अगर क्लास डी का आईपी हो, फॉर एग्जांपल .224.1.1.1, कोई भी आईपी एड्रेस जिसका पहला ऑक्टेट 224 से लेके 239 होगा वो क्लास डी होगा। तो अगर सोर्स आईपी एड्रेस तो ये हो, ये तो 100% होता है, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। सब कुछ अगर हम देखें तो चेंज कहाँ हो रहा है? डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में, यानी यूनिकास्ट बिहेवियर हो, मल्टीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, वो डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड से डिस्प्ले होता है। तो डेस्टिनेशन आईपी की फील्ड में अगर क्लास डी का कोई भी नंबर हो, तो ये क्लास डी का जो नंबर है, अब क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा कि अभी तो हमने बताया था किसी पीसी पढ़ता नहीं है, फिर ये कहाँ पढ़ेगा?
फिर ये डेस्टिनेशन कैसे बनेगा थोड़ी देर में देखते हैं, सबर रखें थोड़ा सा। यहाँ पे नोट कर लें कि जो ये क्लास सी का जो नंबर था, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1.1.1.1 क्लास ए का नंबर है, किसी स्पेसिफिक मशीन की आइडेंटिफिकेशन है, या 10.1.1.2 क्लास ए का है बट किसी स्पेसिफिक मशीन की आइडेंटिफिकेशन है, बट इन केस ऑफ द मल्टीकास्टिंग let's say 224.1.1.1 will not represent unique ID of ए होस्ट, ये किसी होस्ट की आईडी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, इट विल रिप्रेजेंट यूनिक आईडी ऑफ ए स्पेसिफिक मल्टीकास्ट ग्रुप। इन केस ऑफ मल्टीकास्टिंग ये आईपी एड्रेस 224.1.1 किसी एक मशीन की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये एक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन है, एंड अ ग्रुप कैन हैव मल्टीपल यूजर्स, या यू कैन से एन नंबर ऑफ यूजर। और मल्टीकास्टिंग जो बनाया है वो बनाया है डॉक्टर STEVEDERING, स्टीवी बोले या स्टीव जो भी आप कहना चाहें, स्टीव डेयरिंग, और इन्होंने 1980 में अपनी डॉक्टरल थीसिस पे रिसर्च करना शुरू किया, और 1991 कितने साल हो गए, 11 साल की कठोर तपस्या के बाद मल्टीकास्ट बनाया है। ऐसा नहीं है वन टू मैनी, घर में बैठे हुए एक आदमी ने चार लोगों से बात कर ली, 10 लोगों में से मल्टीकास्टिंग हो गई, ऐसे नहीं है। 11 साल मल्टीकास्टिंग को बनने में लगे हैं, मल्टीकास्टिंग ना तो एनी में ना एनपी में, इट्स ए पार्ट ऑफ दी सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर ट्रेड। अलग से पूरा पेपर्स है समझने के लिए, 11 साल की रिसर्च के बाद ये पिक्चर में आया, इसको लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि मल्टीकास्टिंग को समझना आसान हो जाए। अगली स्लाइड पे समझते हैं, अभी हमने लिखा है सिर्फ समझाया नहीं है। कुछ भी हो जी, लाख 3 ऑक्टेट 0 से लेके 255 कुछ भी हो सकते हैं, पहला ऑक्टेट 224 से लेके 239 हो, सेकंड थर्ड ऑक्टेट 0 से लेके 255 में कैन बी एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। हर एक आईपी एड्रेस अलग आईडी रिप्रेजेंट। अब इसको समझें लेमन लैंग्वेज में मल्टीकास्टिंग, FM रेडियो स्टेशन, यहां पर कोई एक कैंडिडेट है जो कि कुछ बोल रहा है, यहां पर जो कैंडिडेट कुछ बोल रहा है अनाउंसमेंट कर रहा है उस जैसी शक्ल पूरी दुनिया में किसी की होगी क्या? यहां से एक इस FM रेडियो से कोई गा रहा है बजा रहा है whatever न्यूज पढ़ रहा है तो इस जैसी शक्ल पूरी दुनिया में किसी की है? आईपी एड्रेस तो मैच हो सकते हैं बट ऊपर वाले के बनाए हुए नमूने मैच नहीं कर सकते, इट्स ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, कहीं नहीं मिलने वाला। अब जो भी ये बोल रहा है जो यूनिकनेस है इसको मान लेते हैं कि ये 192.168 लेट से 1.1 है,
ये एफएम रेडियो पे एक टावर लगा हुआ है, 96.5 लेट्स से मेगाहर्ट्ज़। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन। कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं? शुक्र है यार, अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट यहाँ किया जा रहा है उसको मैप कर दिया जाता है किसके ऊपर? इसके ऊपर। हूज दी सोर्स? ये सोर्स है। और ये कहाँ भेज रहा है? 96.59, ये डेस्टिनेशन है। ये सोर्स के ऊपर तो नहीं पड़ा ना, और अगर पड़ा भी है तो इसने मास्क पहन के रखा हुआ है, बट इसकी आइडेंटिफिकेशन तो यही है ना। हाँ, वो क्लास में हर एक के पास मोबाइल फोन भी है, और ऐसा नहीं है किसी मोबाइल फोन में 96.5 मेगाहर्ट्ज़ कैच ना करता हो। तो क्या यहाँ पर जो अनाउंसमेंट अभी हो रहा है वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, एंटीना के ऊपर आ रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है। एंटीना तक आ रहे हैं सारे सिग्नल, पर डिस्कार्ड हो रहे हैं। देर इस बात की है कि आप यहाँ पे 96.5 मेगाहर्ट्ज़ को लॉग इन कर लें या ट्यून कर लें, जो भी ये बोल रहा है सुनाई देगा। तो ऐसा नहीं है क्लास में सबके पास एक ही कंपनी के मोबाइल फोन है, अलग अलग है। जितनी भी इसकी रेंज होगी, जहां तक भी जा रही होगी, अगर लेट से ये भी 96.5 मेगाहर्ट्ज़ को ट्यून कर ले तो जो ये बोल रहा था इसको भी आ जाएगा, इसको भी आ जाएगा। और अगर ये भी कर ले 96.5 मेगाहर्ट्ज़, इसको भी आ जाएगा। द क्वेश्चन इज दैट कितने लोग इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, जो इसकी रेंज में आ सकते हैं। अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड। क्या अगर किसी ने 10 मिनट के बाद अपने रेडियो सेट को खोला तो क्या इस बेचारे को दोबारा से गाना पड़ेगा? क्या इसको पता लगता है कि आपने सेट ऑन कर लिया? क्या इस टावर की हाइट में कुछ चेंजेस करना पड़ता है? ये कितनी बार बोल रहा है सबको सुनाने के लिए? एक बार। सिंगल डाटा स्ट्रीम टू दी स्पेसिफिक मल्टीकास्ट, लेट्स से 224.1.1.1, ऐसी ही अगर इसको नेटवर्किंग में इस पर भेज दिया जाए, और जिनको ये सुन रहा हो, यहाँ से डाटा रिसीव करना हो, वो अपने अपने यहाँ पर लॉग इन कर लें 224.1.1.1, तो वट एवर द इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजा जाएगा, जो जो इसको ट्यून करेंगे वो इन्फॉर्मेशन इनको चली जाएगी। बट द क्वेश्चन इज दैट कि पीसी में जो एड्रेस पड़ता है वो एबीसी का पड़ता है, डी का नहीं पड़ता। जिस तरह से आप मशीन के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही मल्टीकास्ट जनरेटर और मल्टीकास्ट रिसीवर मार्केट्स में अवेलेबल हैं। पेड टूल हैं, कॉस्टली हैं, जिनका इस्तेमाल आप देखते हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जाता है, जिनका इस्तेमाल आप देखते हो ड्यूरिंग द न्यूज़, आज की डेट में लाइव टेलीकास्ट आता है, सालों पहले नहीं आता था। तो जहाँ पर इवेंट्स होती है उनके जो संवाददाता हैं अपनी गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो एनडीटीवी के मल्टीपल ऑफिस में चला जाता है। ऐसा नहीं एनडीटीवी के 50 ऑफिस हैं तो 50 बार हर एक के लिए बोलेगा ना, एक बार बोलता है एनडीटीवी के हर एक ऑफिस में चला जाता है। कोई भी स्टेशन पर बैठ रहा वाला कैंडिडेट अगर अपने संवाददाता से स्पीकर से पूछता है तो उनके बीच में कनेक्टिविटी भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है मल्टीकास्टिंग के थ्रू। तो पहली चीज तो आप ये बताओ कि अगर आप ये बोलते हो 1-to-many, तो क्या आप उन 1-to-many को जानते हो या अनजाने लोगों को 1-to-many बोल रहे हो? अनजाने को कमाल हो गया, जानते हो? जिसको आप जानते ही नहीं उसको तो भेजोगे? आप अगर 1-to-1 भेज रहे हो, यानी जिसको भेज रहे हो उसको भी जान रहे हो, अगर आप 1-to-all भेज रहे हो तो आप नहीं जानते हो, बट अगर 1-to-many भेज रहे हो तो आप जानते हो, स्पेसिफिक को भेज रहे हो। तो
तो अब स्पेसिफिक को अगर भेज रहे हो, इसका मतलब उनके उन स्पेसिफिक के बीच में पहले कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी किससे होती है? सिर्फ ए से, सिर्फ बी से, सिर्फ सी से, यानी जो डिवाइसेस मल्टीकास्टिंग को परफॉर्म करना चाहती हैं पहले उनके अंदर रीचेबिलिटी होनी चाहिए, ए से, बी से और सी से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए ए बी सी मैंडेटरी है। अब उसके बाद आप भेजना चाहते हो अपनी बात कुछ लोगों तक, तो आप जो अपनी बात कुछ तक भेजना चाहते हो तो सेंडर मशीन अपने ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगी, और सॉफ्टवेयर के अंदर लेट से 224.1.1.1 इंस्टॉल करेगी। डेस्टिनेशन मशीन जो रिसीव करना चाहती हैं, उन डेस्टिनेशन मशीन के ऊपर भी जिस फ्रीक्वेंसी को आप रिसीव करना चाहते हो, लेट से 224.1.1.1, आप उसको रिसीव करेंगे। कितने पैकेट आपने सेंड किए, सेंडर टाइप पर सेट कर देते हैं, रिसीवर वाले को रिसीवर पर सेट कर दिया जाता है, और जब सेंडर मशीन सेंड करती है तो उन रेसिपेंट के ऊपर ये चला जाता है। बट आप ये कह सकते हो कि जी भाई ये तो वन टू ऑल ही हो रहा है, बिकॉज जो इवेंट्स हो रही है वो तो हमारे सारे घरों में आ रही है। बट वो जो आपके पास आ रही है, दैट इज़ दी फॉर्म ऑफ दी सिम्प्लेक्स। अगर उसने न्यूज़ गलत पढ़ी और आप बोलते हो भाई साहब आपने झूठी न्यूज़ दे दी, तो सुनता है क्या? नहीं सुनता। नेटवर्किंग में टू वे होता है, सिम्प्लेक्स में सिर्फ वन वे होता है। तो टीवी का अनाउंसमेंट आपके पास डायरेक्टली फ्रॉम दी इवेंट्स नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। जहाँ इवेंट्स जनरेट हो रही है वहाँ से स्टेशन पे जा रहा होता है उसके, वहाँ से उसको वो सिम्प्लेक्स की फॉर्म में आपके पास भेज रहे होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट जो कन्फ्यूजिंग टर्म है वो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है जनरल अनाउंसमेंट। तो अगर ब्रॉडकास्ट, अगर मैं किसी का एक का नाम लेके कुछ बात कर रहा हूँ तब भी तो मैं ब्रॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, बट एक डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ब्रॉडकास्टिंग तो मैं कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट में अगर कर रहा हूँ जिसको आप ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिकास्टिंग भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट है, केवल एक डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। ब्रॉडकास्ट भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट है, सारी डिवाइस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी। मल्टीकास्टिंग भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट है, बट एक ग्रुप प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। बिना ब्रॉडकास्टिंग के, बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए हुए, दूसरा तो आपका नाम जान ही नहीं सकता है। तो दुनिया की हर एक डिवाइस में फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट जरूर होता है। कुछ लोग ये बोल जाते हैं सच में ब्रॉडकास्ट नहीं होता। तो ये आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई क्या हो रहा है? जब तक एक मशीन दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखेगी, हाउ दैट मशीन विल सेंड इन्फॉर्मेशन टू दी अनदर मशीन। स्विच के केस में फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होता है, उसका नाम ब्रॉडकास्ट किताबों में नहीं है, उसका नाम है एफ एल ओ ओ डी आई एच। दैट्स व्हाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ फ्लडिंग तो हो रही है, एक्चुअली टेक्निकल टर्मोलॉजी डिफरेंट है। अगर ऐसा हो कि जो बुक्स राइटर लिखते हैं उनके ऊपर एक टेक्निकल टीम हो, एक डिपार्टमेंट हो, कि बुक वहाँ से पास आउट होकर निकलेगी और जो टर्म है इन टर्म को कॉमन रखा जाए, तो दिक्कत कोई ना हो। बट टर्म हर एक ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं, दैट्स वाई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मल्टीकास्टिंग में इससे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको नहीं दे सकते कि एक यहाँ से अनाउंसमेंट करेगा, जो जो ट्यून करेंगे उसके पास चला जाएगा। प्रैक्टिकली आपको इंशाल्लाह CCIE सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। या आपके ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हो तो जो टीम है उनसे आप बात कर लें भी, किस तरह सेटिंग होती है, कैसे होती है, वो आपको समझा देंगे। इट्स नॉट ए स्मॉल प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस है काफ़ी। ये आज के डेट में आपने सुना होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, प्रोफेसर इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर क्लास आप यहाँ पर भी ले रहे हो। आपका जो इंडिया के अंदर है, इंडिया कैन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 150 सेंटर हैं वर्ल्ड में पूरे। मेरे पास भी इनका ऑफर आ चुका है कि वो यहाँ पर सेटअप लगा देंगे, मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्लास ले रहा हूँ। तो एक में तो हमारी क्लास में फिजिकल स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी 150 सेंटर पे अनाउंसमेंट हो जाएगा इतने बज के इतने मिनट पे, इस दिन से लेके यहाँ तक क्लासेस होंगी, तो वो लोग वहाँ पे मुझे वर्चुअली देख रहे होंगे और मैं उनको यहाँ पर वर्चुअली देख रहा हूँ। किसी ने क्वेश्चन पुट अप करना है, मेरे सामने स्क्रीन होती है, वहाँ पे ब्लिंक आना शुरू हो जाता है, उस स्क्रीन को जो भी उनके डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं मैनेज करने वाले, वो उसको बड़ा कर देते हैं, वो लॉजिकल मेरे सामने पूरा खड़ा होता है, मैं उसके सामने लॉजिकल खड़ा होता हूँ, फेस टू फेस हो जाता हूँ। तो ये आज की डेट में आम चलन हो चुका है, दैट इज़ समथिंग मल्टीकास्टिंग। अदरवाइज क्या होता कि हम अगर सबको यूनिकास्टिंग ही भेजते तो बैंडविड्थ बहुत चाहिए होती है। ये आप पढ़ोगे जाके मल्टीकास्टिंग के अंदर। फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन काफी है इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
एक टर्म लिखवाया था कि आईपी एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स. कैसे पता लगेगा? डिफॉल्ट मास्क, डिफॉल्ट मास्क. It's a 32 bits binary number that will define how many bits belongs to network and how many bits belongs to host in any IP address. किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स नेटवर्क से बिलोंग करती हैं, कितनी होस्ट से बिलोंग करती हैं, ये काम है डिफॉल्ट मास्क का. नोट कर लिया. नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास फुल IP address. क्लास फुल के अंदर जो नेटवर्किंग में नंबर यूज किए जाते हैं वो सिर्फ तीन नंबर हैं. कौन सी? क्लास ए, बी और सी. क्लास ए का जो मास्क है वो होता है 255.000.0.0.0. क्लास बी का मास्क 255.255.0.0. क्लास सी का मास्क होता है 255.255.255.0. अब यहां पर जो 255 है इसके चार नाम हमें मिलते हैं बुक्स के अंदर, इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन और होता है. चार नाम जो मिलते हैं, 255 को चार तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. कुछ बुक्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केवल एन से, कुछ इसको बोलते हैं नेटवर्क बिट्स, कुछ बोलते हैं नेटवर्क फील्ड एफ आई ई एल डी, कुछ बोलते हैं नेटवर्क पोर्शन. ये चारों ही नाम सही हैं चूंकि चारों मिलते हैं. और इसी तरीके से जीरो के भी चार नाम आपके पास हैं. कहीं एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं होस्ट बिट्स, होस्ट फील्ड, होस्ट पोर्शन. सबसे आसान जो तरीका है समझने का वो यही है कि जहां पर 255 है वहां पे आप एन कंसीडर कर लें, यानी नेटवर्क है या नेटवर्क का ऑक्टेट है या नेटवर्क की बिट, जो भी आप कहना चाहें. और जहां पर जीरो है वो उसको एच समझ लें ताकि आसानी हो जाए. ये होस्ट हो गया, ये भी होस्ट हो गया, ये भी होस्ट, ये भी होस्ट हो गया, ये भी होस्ट हो गया, ये भी होस्ट हो गया. यानी अगर हम देखें क्लास ए के अंदर तो 24 बिट्स नेटवर्क की हो गई प्लस 8 बिट किसकी हो गई? होस्ट की हो गई. अगर हम यहां देखें 16 बिट्स नेटवर्क की हैं प्लस, हाँ जी, अच्छा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. एट बिट नेटवर्क, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क, और 24 बिट्स किसकी हो गई? होस्ट की. क्लास बी के अंदर 16 बिट्स नेटवर्क की हैं और 16
कंपोज किए हैं, क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क किए हैं और 8 होस्ट किए हैं, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 32 बिट हो गया है, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, 32 ही आ रहा है। आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर 32 बिट्स होगा। यानी या तो हम ये कह सकते हैं कि आईपी, आगे अगली स्लाइड्स पे देखें, नोट हो गया यहाँ तक, सबका नोट हो गया भाई। हम ये बोल सकते हैं कि आईपी एड्रेस बराबर या तो है नेटवर्क की बिट्स के प्लस होस्ट की बिट्स के, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क की फील्ड के प्लस होस्ट की फील्ड के, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क के पोर्शन के प्लस होस्ट के पोर्शन के, यानी ये तीनों स्टेटमेंट हम दे सकते हैं ऑल आर ग्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को ये मालूम है, क्योंकि बुक्स में कुछ इस तरह से लिखा है या पढ़ाने वाले पढ़ा जाते हैं, आईपी एड्रेस बराबर होता है नेटवर्क आईडी के प्लस होस्ट आईडी के। कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट भी याद है, जिन लोगों को ये स्टेटमेंट याद है वो भूल जाएं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये गलत क्यों, अभी इसको मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली हम प्रूफ करने जा रहे हैं। रीजन यह समझ लें, आईपी एड्रेस की जो फील्ड है वो 32 बिट है, और पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट्स, ये दोनों की दोनों क्या है, ये वेरिएबल हैं, ये दोनों फील्ड्स क्या वेरिएबल हैं। पीछे देखें स्लाइड्स पे, 8 है कहीं 16 है कहीं 24 है, 24 है 16 है कहीं 8 है, ये नेटवर्क की बिट्स और होस्ट की बिट्स के वेरिएबल हैं, बट ये फिक्स्ड है, ये 32 बिट होगा। सिमिलरली आईपी एड्रेस तो फिक्स्ड है 32 बिट का होता है, नेटवर्क आईडी भी 32 बिट की होती है, नेटवर्क आईडी कुछ और टर्म है थोड़ी देर में देखते हैं, ये 32 बिट की होती है। तो अगर ये भी 32 का हो गया, ये भी 32 का हो गया, तो फिर होस्ट आईडी क्या हो गई, तो कोई आईपी एड्रेस जनरेट ही नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। तो अगर ये कहते हैं आप आईपी एड्रेस बराबर नेटवर्क की बिट्स के होस्ट की बिट्स है, नेटवर्क पोर्शन होस्ट पोर्शन है, नेटवर्क फील्ड होस्ट फील्ड, इट्स राइट, कोई गलती नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है। बट झगड़ा कब है कि अगर बोलते हैं आईपी एड्रेस बराबर नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी होता है, तो नेटवर्क आईडी तो खुद अपने आप में 32 बिट है, तो होस्ट आईडी तो बची नहीं, फिर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली क्या ये बात सही है कि नहीं। अब आपको ये पता हो कि ये तो पता लग गया कितनी बिट्स नेटवर्क की कितनी होस्ट की हैं, अब आपको पता हो कि नेटवर्क आईडी क्या होती है, तब तो कहेंगे सही है या गलत है। नेक्स्ट हम डालें नेटवर्क आईडी, चला जाए भाई आगे। If each bits belongs to host in any IP address, represent 0, then that IP address called as network ID, या कुछ बुक में लिखा होता है network address, एक ही बात। इसी से मिलता जुलता एक टर्म और है, वो भी हाथ के हाथ लिख लें फिर, ब्रॉडकास्ट आईडी, ये नोट हो गया।
if each bits belongs to host in any IP address represent one, then that IP address called as broadcast ID or broadcast address. अब अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे हम फाइंड आउट करें कि नेटवर्क आईडी क्या होती है और बीआईडी क्या होती है. यानी कोई नंबर दे रखा हो तो कैसे फाइंड आउट करें ये वो नंबर है जो मशीन एक्सेप्ट कर लेगी या ये वो नंबर जो मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी. मशीन एक्सेप्ट नहीं करती नेटवर्क डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट आईडी और एनआईडी को. क्वेश्चन लिखें यहाँ पे, फाइंड आउट एनआईडी बीआईडी यानी ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस. जो गिवन आपके पास आईपी है वो है फॉर एग्जांपल 197.17.19.17. अब आपको ये बताना है कि जो नंबर है वो आपके पास उसकी एनआईडी क्या होगी, उसकी बीआईडी क्या होगी, उसके अंदर पहला वैलिड क्या होगा, लास्ट क्या होगा, कितने वैलिड आईपी आएंगे. अब जो नंबर आपको दे रखा है 197.17.19.17, आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं इसको टेस्ट आउट करने के लिए. कौन सी क्लास का है? सी का. इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास रेंज है कि 192 से लेके 223 तक आपके पास ये आ रहा है पहले ऑक्टेट में. यानी ये पता लग गया कि ये क्लास सी का है. इसके अंदर कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, कितनी होस्ट की हैं, ये किसने बताया आपको? मास्क ने, डिफॉल्ट मास्क ने 255.255.255.0. एक टर्म नेटवर्क आईडी है वो ये बोल रही होती है अगर होस्ट की सारी बिट्स वन हो जाएं, जीरो हो जाएं तो एनआईडी, वन हो जाएं तो बीआईडी. तो यहाँ पे अगर हम आईपी को इस मास्क के साथ कंपेयर करें तो नेटवर्क की फील्ड बोलें या नेटवर्क का पोर्शन बोलें या बिट्स बोलें वो कितना आ रहा है 197.17.19. ये है नेटवर्क का हिस्सा, नॉट नेटवर्क आईडी. यही कंफ्यूजन है सारा का सारा. हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं 197.17.19 इज ए नेटवर्क आईडी. तो नेटवर्क आईडी तो 32 बिट की होती है, 24 बिट की बना दिया आपने. और अगर क्लास ए का होता तो 8 बिट की बनाए थे. तो नेटवर्क की फील्ड या नेटवर्क का पोर्शन इस नंबर के अंदर कितना है, कितना है. और अगर हम होस्ट पोर्शन देखें तो कितना है यहाँ पे, वो कितना है सिर्फ 17. और पीछे अगर हम देखें तो यहाँ नेटवर्क आईडी कहती है कि बिलोंग्स टू होस्ट, जो बिट होस्ट से बिलोंग करती हूं अगर वो जीरो हूं. बिट्स को जीरो बोला है, रिजल्टेंट को जीरो नहीं बोला है. तो अगर हम यहां देखें ये तो 17 डेसिमल के अंदर है, ये तो बाइनरी में नजर ही नहीं आ रहा, वहां तो बिट्स की बात हो रही है. यानी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कितना आएगा जी? 0 0 0 1 0 0 0 1, बिकॉज एक ही हो गया और 16 ही हो गया, 17 हो गया. तो क्या होस्ट की सारी बिट जीरो हैं यहां पे? आंसर इज नो. तो इसका मतलब गिवन नंबर नेटवर्क आईडी तो नहीं,
चुकी है, नेटवर्क आईडी ने तो ये कहा था कि अगर होस्ट की सारी बिट्स जीरो हों तो आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी कहलाएगा, और ना सारी बिट्स वन है तो ये बीआईडी भी नहीं हो सकता, सारी बिट्स वन भी नहीं है सारी जीरो है, इसकी दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम ऐसा करें कि अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एज्यूम कर लें या फोर्सफुली हम क्या कर लें इसको जीरो कर दें, मान लें या फोर्सफुली जीरो कर दें या पहले से थी कोई भी कंडीशन कर लें, तो ये सारी अगर जीरो हो जाएं तो यहां पर क्या आ जाएगा जीरो, और होस्ट फील्ड की जगह को अगर हम रिप्लेस कर दें इस डेसिमल के जीरो से, यानी अगर हम ये लिख दें 197.17.19.0, अब होस्ट की सारी बिट्स क्या हो गई जीरो हो गई, और आपने जो लिखा था वो भी बात आपने जबरदस्ती कहलवा ली अपने अकॉर्डिंग, ऐसे मान लें, देखते हैं प्रैक्टिकली थोड़ी उसमें मैथमेटिकली थोड़ी देर में क्या होता है। तो आप इस पूरे नंबर को बोलेंगे कि ये पूरा जो नंबर है ये नेटवर्क आईडी है, ना कि इतना पोर्शन नेटवर्क, ये तो नेटवर्क की बिट्स हैं, तो ये है नेटवर्क आईडी। अगर होस्ट की सारी बिट्स जीरो हो जाएं तब पूरा 32 बिट का नंबर एनआईडी कहलाता है, और मैथमेटिकली भी डिवाइस यही निकालती है, देखते हैं थोड़ी देर में। फिर 197.17.19.1 अगर हम करते हैं तो 0000001, फिर 197.17.19 जब .2 आता है तो ये 0000010, इस तरह ये प्रोसीड करता रहेगा लास्ट तक, और ये 197.17.19.254 भी कभी आएगा, तो यहाँ पर 1111110 और 197.17.19.255 तो यहाँ पे हम देखते हैं होस्ट की सारी बिट्स क्या हो गई हैं, वन हो गई हैं, तो बॉटम वाला जो नंबर है वो कहलाएगा बी आई डी। होस्ट की अगर सारी बिट्स वन हो जाएं तो नंबर बी आई डी, सारी बिट जीरो हो जाए नंबर नेटवर्क आई डी, नेटवर्क आई डी के इमीडिएट वाला बाद वाला नंबर ये कहलाता है फर्स्ट वैलिड आई पी, और ये कहलाता है लास्ट वैलिड आई पी आखिरी नंबर, और जो आई पी एड्रेस फर्स्ट वैलिड से लास्ट वैलिड तक लाई करती है कहलाते हैं वैलिड आई पी की रेंज, और जितने आईपी एड्रेस वैलिड आईपी की रेंज में आते हैं वो कहलाते हैं यूनिकास्ट आईपी, या वो कहलाते हैं आपके पास यूजेबल आईपी जो मशीन एक्सेप्ट करेगी, यानी मशीन नेटवर्क डिवाइस यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेप्ट करेंगे एड्रेसेस। नोट करें इसको, अभी तो हमने मान लें कि ज़बरदस्ती बना दी अपने अकॉर्डिंग, मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है कि ऐसे मान के चल रहे हैं सारा हमने एज्यूम करके रखा हुआ है, पहले हमने बोल दी क्या कि भाई नेटवर्क आईडी होगा, बाद में वैसे ही ज़बरदस्ती कर दिया जबकि ज़ीरो नहीं था, हमने ज़ीरो ज़बरदस्ती कर दिया, बट देखते हैं मैथमेटिकली क्या होगा। याद ये रहे कि अगर किसी ने नेटवर्किंग फील्ड में रहना है तो जो डिस्कशन अभी बोर्ड पर किया जा रहा है नेटवर्क आईडी, अगर नेटवर्क आईडी आपको निकालनी नहीं आती तो आप नेटवर्किंग में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अगर याहू को रिक्वेस्ट भेजते हो तो याहू का एक आईपी है, याहू का अगर आईपी है तो उसकी भी एक एनआईडी है, जीमेल को भेजते हो तो जीमेल का आईपी है उसकी भी एक लॉजिकल घर है एनआईडी है, राउटर आईपी पे काम नहीं करता, राउटर नेटवर्क आईडी पे काम करता है। आप आईपी डालोगे राउटर नेटवर्क आईडी डिस्प्ले करेगा, अगर आप क्लाइंट साइड पे हो तब तो गनीमत है, बट अगर आप आईएसपी साइट पर हो या बड़ा कोई क्लाइंट है आईएसपी साइट के ऊपर, यानी आईएसपी के हर एक राउटर के ऊपर जो कि इंटरनेट की टेबल्स रखता है, क्योंकि आप तो बोलते हो मुझे याहू पे जाना है, आपके राउटर को नहीं पता होता, वो आईएसपी के राउटर को इन्फॉर्मेशन देता है कि मुझे वहाँ पहुँचा दो, वहाँ सारे राउट्स पड़े होते हैं। आईएसपी के राउटर के ऊपर आज की डेट में मोर देन 4.5 लाख रूट से ज़्यादा एनआईडी,
साढ़े चार, जैसे एक एनआईडी आपने लिखी है इस तरह की, 4.5 लाख से ज्यादा एनआईडी। अब अगर ये टास्क आपके पास आता है कि भाई फला साइट ओपन नहीं हो रही है, तो आपने देखनी है एनआईडी अपने राउटर के अंदर। अब आपको यही पता नहीं हो कि एनआईडी कैसे नजर आएगी वहां पे, तो फिर देखोगे क्या? आपको देखने से पहले पता होना चाहिए। आपने एंटीवायरस का नाम सुना है, वायरस को किल करता है, ऐसे किल कर लेता है। पहले एंटीवायरस को बताया गया होता है चोर ऐसा होता है, बताया ना, थ्रेट ऐसा होता है, टेक्निकली सिग्नेचर उसका पैटर्न ऐसा होता है, तभी तो पकड़ता है वो, बिना उसके थोड़ी पकड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपको ये पता हो 4.5 लाख एनआईडी में से कि जिसको आप देखने जा रहे हैं वो एनआईडी ऐसी है, अदरवाइज तो आप देखते रहो, जिंदगी गुजर जाएगी 4.5 लाख को देखते, इतना एंटर करोगे आप। राउटर में कमांड होता है शो आईपी राउट एनआईडी देखने के लिए, बट आपको ये पता हो कि याहू की एनआईडी है तो शो आईपी राउट स्पेसिफिक एनआईडी लिख दे और एंटर कर दे। यानी आप कह रहे हो मुझे दिखाओ एनआईडी ये वाली, राउटर कह देगा नहीं है तो नहीं है, खत्म कर, इसका मतलब कहीं इश्यूज है बीच में देखो। अभी तो आपको यही पता चल रहा है कि है या नहीं, तो इस पर बहुत फोकस करने का, अभी तो सिंपल निकलना है इसलिए आसान है, आगे कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। अब देखें यहाँ पे ये जो हमने लिखा यहाँ पे एनआईडी, क्या वाकई ये 32 बिट का मैथमेटिकली भी होता है? एक टॉपिक डालें एंडिंग प्रोसेस, ANDING, ANDING, एंडिंग प्रोसेस। सबने माशाल्लाह बीटेक कर रखा है, सबने गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट पढ़ रखा हुआ, ANDING एंड गेट है, क्या आउटपुट होती है एंड गेट की? हाँ जी, दोनों वन हो तो वन होता है। नोट करें एंडिंग प्रोसेस के बारे में, इट्स ए प्रोसेस through which network devices calculate network ID with the help of logical AND gate। जिन लोगों को AND gate नहीं पता है या भूल गए हैं वो दोबारा से बना लें, क्योंकि बिना इसके तो नेटवर्क ID निकलेगी। ये X है, ये Y है, ये Z है, Z बराबर लेट से X इंटू Y के है, एक फील्ड इनपुट है और एक फील्ड आउटपुट है। इनपुट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं X और Y, और Z बराबर होता है X इंटू वाई के, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 0 0 रखा जाए तो 0 हो जाएगा, 0 1 पे भी 0 हो जाएगा, 1 0 पे भी 0 हो जाएगा। जिसको एंड गेट याद नहीं करना है वो इतना याद कर रहे हैं, 0 की गुणा किसी से भी होगी 0 ही होगा, 1 की 1 से होगी 1 हो जाएगा, इतना याद कर रहे हैं। जब भी आप पीसी में आईपी एड्रेस डालते हैं, आप चाहे मास्क ना डालें, आप देखते हो मशीन खुद कैप्चर कर लेती है। अगर आप घर जाके पीसी में अगर ये एड्रेस डालें, फॉर एग्जांपल 1.1.1.1, मास्क ना दें, मशीन ऑटोमेटिकली ये कैप्चर करेगी, क्योंकि लास्ट का मास्क आखिर करती क्या है। हर एक डिवाइस का जब नाम हम डालते हैं तो हर एक डिवाइस सेल्फली ये डिसाइड करती है कि मेरा लॉजिकल घर कहाँ पर है, मैं कौन से घर में रहती हूँ, ये डिवाइस खुद कैलकुलेट करती है, दैट इज दी एन आई डी। देखते हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल हमने जो नंबर लिया है वो क्या था, 197, उसके बाद क्या था, 17 19 7। मान लो किसी ने अगर पीसी में ये एड्रेस डाला तो पीसी खुद क्या करेगा, ये मास्क पिकअप कर लेगा। अब वो क्या करेगा, इसका एंडिंग प्रोसेस अप्लाई करेगा। तो 197 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, ये 128 हो गया और ये 64 हो गया, 192 कितने और चाहिए, 5 और चाहिए, तो 0
ये जीरो, ये वन जीरो वन, ये पांच हो गया चार, और ये एक और ये चार पांच, और ये 128 और 64 192, तो 192 पांच 197 हो गया, जीरो 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 ये 16, और ये जीरो 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 एक ये 17, जीरो 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 और ये वन 16 हो गया, जीरो जीरो अब कितना जी 19, तो 11 ये 19 हो गया, फिर जीरो 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 वन और जीरो 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 वन। तो लेट से आपने ये गेट लॉजिकल गेट लग रहा है एंड गेट एक्स लेट से यहाँ लगा दिया फॉर एग्जांपल, और लेट से ये नीचे हम वाई लगा देते हैं और जो आउटपुट आई वो नीचे देख लेते हैं जेड के आउटपुट आने वाली है। तो 255 का मतलब क्या, 1111111111111111111111111111, और बाकी है 0000000000। अब आपको एंड गेट की आउटपुट याद होनी चाहिए, जहाँ जहाँ वन है वहाँ क्या करने का, वन करने का, ये वन आ गया, ये वन आ गया, जीरो जीरो ये जीरो, वन जीरो वन, फिर जीरो 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 वन, जीरो 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 वन, जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन वन और जीरो 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 जीरो। इसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करें 197, इसको कन्वर्ट करें 17, इसको कन्वर्ट करें 19, इसको कन्वर्ट करें 0, तो कितने बिट की आई एन आई डी, 32 ही बिट की आई ना। तो एन आई डी जो हमने थ्योरेटिकल प्रूफ किया था वो मैथमेटिकल ही था, आपको समझाने के लिए जंक्शन लिया था, तो मैथमेटिकली आपके सामने हो रहा है कि बाइनरी मैथमेटिक्स चल रहा है। तो नेटवर्क आई डी 32 बिट की होती है। अगर कोई ये कहता है आईपी बराबर नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, टोटली गलत है, चूंकि एनआईडी भी 32 बिट की हो गई तो बचा गया। आईपी एड्रेस बराबर नेटवर्क की बिट्स प्लस होस्ट की बिट्स है, या पोर्शन पोर्शन या फील्ड फील्ड है, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो अलग से एक टर्म हो गया 32 बिट का। अब सबसे ज्यादा फोकस आपने करना है नेटवर्क आईडी निकालने के लिए, अगर ये नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल है। 12 बज चुके हैं, आपका टेस्ट में चल रहा है। यू कैन फॉलो योर कॉपीज, अपनी कॉपी को फॉलो कर सकते हैं। ब्रजेश कुमार जी 172.17.19.0 क्वेश्चन सिर्फ ब्रिजेस से, इसको आप नेटवर्क आईडी कहेंगे, बीआईडी कहेंगे या वैलिड आईपी कहेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, बट जितना कराया है वो सफिशिएंट है इसका आंसर देने। नेटवर्क आईडी के लिए रूल क्या है, होस्ट की सारी बिट्स का जीरो होना। क्या ये नेटवर्क आईडी है? नहीं। जी ब्रजेश रीजन क्लास बी का है, तो क्लास बी का है, ठीक है, क्लास बी का है, तो इसकी एनआईडी क्या होगी, 172.17। होस्ट का पोर्शन इतना है, अगर ये भी जीरो हो जाए, क्योंकि सारी बिट अगर जीरो हो गई तो ये जीरो हो जाएगा, सारी जीरो हो गई तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जब आपके पास आ जाएगा तो ये है नेटवर्क आईडी। अब इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करते हैं तो कितना आता है, 172.17.0.1, इट्स ए फर्स्ट वाली 172.17.0.255। रंजन दास क्या ये ब्रॉडकास्ट आईडी है? हैं? नहीं। रीजन सारे वन होने चाहिए। सारे वन क्यों नहीं है इसमें? अभी कितने जीरो कितने वन है? तो अभी इसका इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये नजर आता है 8 बिट जीरो है और 8 वन है। अगर ये सारी वन हो जाती तब ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ये तो
नेक्स्ट आई पी क्या आएगा इसके बाद? यही क्यों आएगा? कौन सा गेट काम कर रहा है? भीम सिंह कौन सा गेट काम कर रहा है? एंड गेट तो नेटवर्क आईडी निकाल देगा। यहां काम कर रहा है और गेट एडिशन। अगर हम इसके अंदर एक जोड़ें, अगला एक जोड़ेगा ना, कंटिन्यू एक जोड़ रहा है ना, एक जोड़ते हैं ये दो हो जाता है। इसमें अगर हम एक जोड़ें तो क्या आएगा एक जोड़ने के लिए? 0000001। और जब आउटपुट आएगी तो क्या आएगा? दैट इज द आउटपुट। तो यहां पे कौन सा गेट लग रहा है? और ऑपरेटर लग रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको एक्सपेंड कर दें पूरा, चूंकि सब सारे लोग नोट कर लें इसको ताकि याद रहे। 172.17.1.25 भी कभी पहुंचेगा, यानी 1.1, 1.2, 1.3, अगेन इट्स नॉट ए ब्रॉडकास्ट, इट्स ए आईपी एड्रेस। तो जब ये 255 पहुंचेगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 172.17.2.0, बिकॉज फिर इसमें एक जोड़ोगे तो यहाँ दो हो जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रोसीड करता रहेगा, चलता रहेगा, लास्ट में जब आएगा तो 172.17.255.254 भी कभी आएगा, और 172.17.255.255 भी आएगा। तो ये जो लास्ट में आपके पास जो पहुंचा है, दैट इज द बी आई डी, ये आपका बी आई डी है, बिकॉज होस्ट की सारी बिट्स वन है, दैट इज बी आई डी। ये लास्ट वाली आई पी है, ये एन आई डी है, ये फर्स्ट वाली आई पी है। तो आपको ये पता हो, कोई अगर नंबर दे रखा है उसकी रेंज कहां से कहां तक एक्सपेंड करती है, घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, वैसे नहीं आ रहा तो बाइनरी में करके प्रैक्टिस करें। आगे चले, नोट हो गए सब, पहले नोट करो। ये 0.25 भाई, इसको अगर हम करेंगे इट्स अगेन आईपी एड्रेस। रीजन इज दैट कि इसमें 8 बिट तो 0 हैं और 8 1 है, जब सारी बिट्स 0 हों तो एनआईडी, सारी बिट्स 1 हों तो भी आईडी, अगर कुछ 0 हैं और कुछ 1 हैं तो वैलिड आईपी एड्रेस। तो फर्स्ट वैलिड से लास्ट वैलिड तक की जो आईपी है वही एक्सेप्टेड है, बाकी एक्सेप्टेड नहीं है। आगे चला जाए, नोट हो गया भाई। यहां पर एक नंबर लिखा है हमने 10, 11, 12, 13, अनूप कुमार। अच्छा आपको तो बोल दिया मैंने, सैफुल्ला खान। यहां जो नंबर लिखा है 10, 11, 12, 13, क्वेश्चन ये है कि इस आईपी की कोई एनआईडी तो होगी, उस एनआईडी का लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा? आई एम नॉट आस्किंग दी एनआईडी, इस आईपी की कोई एनआईडी होगी, यानी इसका कोई लॉजिकल घर होगा, उसमें जो आखिरी जगह है, आखिरी मीटर जो यूजेबल है वो कौन सा है? व्हाट इज दी लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस? दोबारा सुन लें, ये आईपी जिस एनआईडी से बिलोंग करता है, ये आईपी जिस एनआईडी से बिलोंग करता है उसका लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा? 10.255.255.255.255.255 लास्ट वैलिड, वेरी गुड।
रीज़न इज दैट इसकी जो एन आई डी है वो है 10.0.0.0. रीज़न इसका जो मास्क आप अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे 255000. जब हम एंडिंग करेंगे तो जहाँ 255 की एंडिंग होगी वहाँ तो 10 आ जाएगा. जैसे कि पिछली स्लाइड्स पे अगर हम देखें कि हमने एंडिंग तो किया बट जहाँ जहाँ 255 था वहाँ एग्जैक्टली 197. इसके ऊपर 17 था ये 17, इसके ऊपर 19 था ये 19, और जहाँ 0 था वो 0 हो गया. तो बिना बाइनरी में कन्वर्ट करके भी हम आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया रखने का. तो यहाँ पर ये तो 10 आ गया, और जब इसकी एंडिंग की ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. तो 10.0.0.1 इज दी फर्स्ट वैलिड, और 10.255.255.254 इज दी लास्ट वैलिड, और 10.255.255.255 इज दी बीआईडी. तो ये आपके पास बीआईडी हो गई इसकी. ये एन आई डी घर पे जितनी चाहें उतनी प्रैक्टिस करें, कोई भी नंबर लेके एंडिंग प्रोसेस के थ्रू ही सारा है. और ये लास्ट वैलिड आई पी. अरुण कुमार, अगर मैं यहां पर एक आई पी एड्रेस लिखता हूं 223.256.1.97, क्या ये आईपी एड्रेस मशीन एक्सेप्ट करेगी? अरुण कुमार से रीजन 255 तक वैलिड होगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि इट्स नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस. गलत है. तुषार, नाम पे थैंक्स आ गया, दौड़ हो गया, एक मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, एक मिनट उठ कर एक काम कर सकते हैं, इसी स्लाइड पे कर लेते हैं, सब चेंज रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पीसी के अंदर एड्रेस डालते हैं 192.168.1.2 और दूसरे पीसी के अंदर एड्रेस डालते हैं 192.168.2.2, क्या ये दोनों मशीनें आपस में बातचीत करेंगी? एक मशीन का एड्रेस 192.168.1.2, दूसरी का एड्रेस 192.168.2.2, क्या ये बातचीत करेंगी कि नहीं करेंगी? तुषार से पूछ रहा हूँ ना. रीजन और कोई नहीं बोलेगा भाई, व्हाट इज द रीजन? अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें जो मैंने पूछा हो कि आपको ना आता हो. चार पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग में. आईपी एड्रेस यूनिक हो वो नजर आता है, अलग अलग है. नेटवर्क आईडी सेम हो. तीसरा, मैक एड्रेस अलग अलग हो. लेट्स से इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है, ये भी अलग है. ब्रॉडकास्ट में हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं लेट्स से सेम है, उसको तो इग्नोर ही कर दें. थर्ड फोर्थ वाले कम्युनिकेट करेंगी कि नहीं करेंगी? जब भी मशीनों में हमें देखना है कम्युनिकेट करेंगी नहीं करेंगी, पहले हम देखते हैं आईपी एड्रेस यूनिक है कि नहीं है. यस. सेकंड हम देखते हैं एनआईडी सेम है कि नहीं है. जी तो सर, कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं? रीजन, व्हाट इज द रीजन? और कोई नहीं बोलेगा. हाँ, पहले इसकी एन आई डी क्या है? वॉट इज दी एन आई डी ऑफ दिस नंबर? बोलें. राइट. दूसरे की क्या है? 192.168.2.0. चलो बच गए. प्रशांत, ये दोनों मशीनें आपस में बातचीत करेंगी क्या? हाँ जी, क्यों? मैक एड्रेस सेम है. राइट. पुनीत कौर, अगर मैंने किसी पीसी के अंदर
225.1.1.1 एड्रेस डाला, मशीन विल एक्सेप्ट और नॉट? मशीन एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? अपनी कॉपी को फॉलो कर सकते हैं आंसर देने से पहले. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपकी कॉपी से अलग हो. जी पुनीत. रीजन, हर एक क्यू का आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट कुछ इस क्यू का आंसर तो है. रीजन क्या है? कौन सी क्लास है? क्लास डी फ्यूचर यूज के लिए नहीं, ऐसा मैंने नहीं लिखवाया. गलत गलत ना बोलो भाई, अभी तो मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने ये नहीं लिखवाया हुआ. क्लास डी मल्टीकास्ट से मल्टीकास्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्या एरर जनरेट होगा पीसी को पहले डालेंगे तो? इनवैलिड. इसलिए पूछा जा रहा है कि व्हाट एवर आई एम राइटिंग ऑन दी बोर्ड, आप कॉपी पे लिख भी रहे कि नहीं लिख रहे? कॉपी पे लिखेंगे तो याद रहेगा ना. अनुराग गुप्ता. यस सर. अगर हमने पीसी के ऊपर 128.1.0.255 एड्रेस डाला तो क्या ये एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस है? एक ही आंसर देगा भैया अनुराग. इट्स ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नॉट? सबसे पहला पॉइंट है क्लास, दूसरा पॉइंट है मास्क. तो ये नेटवर्क, ये आपके पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस है या नहीं है? पहला चीज क्लास देखना है, दूसरा चीज मास्क देखना है. एन आई डी और बी आई डी की डेफिनेशन जहन में होनी चाहिए. नॉट ए ब्रॉडकास्ट. अब ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, क्वेश्चन ही है कि ये एड्रेस अगर पीसी में डालते हैं, इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग दी मास्क, पीसी क्या मास्क लेगा ऑटोमेटिकली? मास्क क्या लेगा? बाकी क्या को बोल रहे हो भैया? जबरदस्ती पास करवा दे रहे हो. राहुल नागर. ये जो नंबर हमने यहाँ लिखा था यहाँ पर, इससे पीछे हमने मास्किंग भी समझा रखी है सबकी. इसको हम लिख सकते हैं /8. भाई खामोश रहे हैं तो बोर्ड पे आकर पढ़ाना शुरू कर दे, मैं आपकी जगह पढ़ जाता. इसको हम लिख सकते हैं /16. 8 का मतलब 8-bit नेटवर्क ही है, 16 का मतलब 16-bit नेटवर्क ही है, और इसको लिख सकते हैं /24. इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8, 16 और 24. इसको वेरी नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप पढ़ेंगे बुक्स के अंदर वैसे ना लिखे स्लैश की फॉर्म में लिखा होगा. यानी किसी को आईपी के आगे लिख के मास्किंग गेट लिख दिया, उसका मतलब 255000. 16 लिख दिया तो 255000 है, और सी में 4. नोट कर लिया. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने लिखा है, इस पूरे आईपी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? 197.17.19.17/24, एक ही बात है. तो अभी हमने जब आपको ये नंबर दिया था और ये मास्क दिया था, तो एनआईडी क्या निकली थी? 197.17.19.0. अब क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम ऐसा करें कि 197.17.19.17/, राहुल नागर से क्वेश्चन है, /30 कर दें, बाकी लोग साइलेंटली निकाल दें, आंसर ना दें, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि
जो नंबर है 197.17.19.7 अब मास्किंग 24 की जगह 30 बिट कर दी है. व्हाट विल बी दी एनआईडी, एनआईडी क्या होगी? मेथड आपके सामने है, कैलकुलेट करके आंसर दिखाएं. मास्किंग पहले 24 थी, अब 30 कर दी गई है, ये आंसर क्या आएगा? और जो आंसर निकाल लें इसके ऊपर 30 के ऊपर, फिर वो क्या करें, 197.19.17/22 कर दें इसको, फिर आंसर निकाल लें. अगर जो 30 वाला निकाल चुके सिकंदर आजम, आप निकालेंगे स्लैश 22 के ऊपर, और राहुल निकालेंगे स्लैश 30 के ऊपर. अभिनव इधर है, आप निकालेंगे इसी नंबर को 197.17/19/17/14 के ऊपर. इंटरव्यू में जब भी जाओगे आपको बिन ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जहां पे आपको नेटवर्क आईडीज, वैलिड आईपी एड्रेस और पीआईडी ना पूछे जाए. जब तक ये नहीं आते आप कुछ नहीं कर सकते. आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, कितनी भी अच्छी टाइपिंग आती हो, नेटवर्क डिवाइसेस को मतलब है नेटवर्क आईडी से और किसी से मतलब नहीं है. वो सही है तो आपका पैकेट थ्रो होगा, नहीं है तो ड्रॉप हो जाएगा. जी भाई राहुल निकाला, जिन लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं वो आंसर दें, बाकी साइलेंट रहे. इन दो लोगों के नाम नहीं है ऐसे, बाद में नाम लेते हैं, नाम तो अभी भी चिंता लिखा. जो लोग बाद में आए हैं वो अपने नाम लिख दें. राहुल आंसर क्या है? 22 वाला किससे पूछा था? आजम. और ये किससे पूछा था? हाँ जी अभिनव. आंसर क्या है दें आंसर. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एंडिंग प्रोसेस है, मैथमेटिकल पोर्शन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. और याद रहे अभी तो सिंपल है, आगे सबनेटिंग शुरू होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. इसलिए घर पे जाके अगर पढ़ना चाहते हैं आप लोग मेरे से, घर पे जाके कोई भी नंबर लें जो दिल में आता हो, क्योंकि पहले ऑप्टेट में एक से लेके और कहाँ तक जा सकता है, 239 तक, 223 तक, क्लासी तक. यानी पहले ऑप्टेट में ए बी सी की रेंज, दूसरे तीसरे चौथे अपडेट में यू कैन टेक एनी नंबर 0 से लेकर 255. जो दिल करता है मास्किंग लगाते रहे. मास्किंग 24 थी, 30 थी, 22 थी, 14 थी, 8 थी, कुछ भी मास्किंग लगाएं, एनआईडी निकालने की प्रैक्टिस करें. क्योंकि आपको नंबर देखते ही एनआईडी निकल कर आना चाहिए, नहीं आता है इसका मतलब फॉल्ट है आपके अंदर. मैक्सिमम आधे मिनट का टाइम तो फीजिबल है, उसके ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए. ये तब आएगा जब आपको ये ऑन टिप्स प्रैक्टिस होंगी. मोटा मोटा रूल याद ही रखना है, जहाँ 255 है कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ 255 है कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ 0 है वहाँ आँख मीच के 0 लिखने का है. तो जहाँ 0 नहीं है
और जहां 255 नहीं है वहां के लिए एफर्ट करना है, ना कि सारे के लिए। यानी जहां 255 था वहां एकदम उतार दें, जहां 255 एकदम 255, जहां जीरो ने जहां पर जीरो है वहां जीरो कर दें। बट इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएगा जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई? तीनों का आंसर नहीं आया? आप लोगों के नाम क्या भाई? दोनों को बच्चा है आपने निकाला इन तीनों में से किसी का? किसका निकाला? कितना निकाला? तो ये गलत था जो निकाल के रखा था हमने। एंडिंग प्रोसेस है, सिंपल सा बाइनरी मैथमेटिक्स है। एक की जीरो से गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, अब ये भी नहीं आ रहा है कमाल। अपना अपना करें भाई, दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा नहीं तो फिर, और आपको भी दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा जो बता रहा है। इसका आंसर आएगा 197 17 19 16। पीछे क्या नाम है आपका भाई? आपके भी हाँ जी करीमा। इसका आंसर क्या होगा 22 वाले का? नहीं मुझे आंसर, आई वांट द आंसर इन डेसिमल टर्म्स। 197 17 ध्यान से सही करके निकाल लें फिर आंसर दें जी। आजम और अभिनव क्या निकाल रहे जी? नहीं, फर्स्ट तो राहुल का नाम लिखा हुआ है, आजम के नाम पे तो 22 लिखा हुआ है। कौन कैसे आ जाएगा? जीरो। अभिनव क्या आंसर निकाल रहे? 17.16.0.0। भैया प्रैक्टिस करो ढंग से, अब आप खुद देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन कितने पानी में। सिर्फ इतना छोटा सा काम हो रहा है कि एक की गुणा जीरो से हो रही है या एक की गुणा एक से हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक अभी किसी को गुणा करनी नहीं आती तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। टोटल नेटवर्क डिवाइस इसी पर काम करते हैं। आपकी अच्छी अंग्रेजी बोलने में सिलेक्शन तो जरूर हो जाएगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि बिना अंग्रेजी के सिलेक्शन नहीं होता, बट नेटवर्क डिवाइस आपको फेल कर देगी, ये भी 100% होता है। क्योंकि वहां पर व्हेनेवर यू विल अप्लाई द आईपी एड्रेस, कितनी अच्छी स्पीड में डाल दें, अगर आईपी के साथ मास्क गलत कर दिया वो एनआईडी गलत कोड कर लेगा। आप जाना चाहोगे मुझे फला जगह जाना, वो कर देगा एनआईडी मेरे पास नहीं। तो राउटर नेटवर्क आईडी पर काम करता है, तो ध्यान रहे जहाँ जहाँ पर जिसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करें। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच। और दूसरा आप सुन लें कुछ चीज़ें कि क्लास मैंने आपको दे दी है, जिन लोगों को या लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका उनको अंडरस्टैंड हो रहा है वो अपनी पेमेंट आमिर सर को जमा कर दें। CCNA की पेमेंट 12,000 रुपये है, जिसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम का पैसे का इशू है तो 8 दिन का डिले हम उसको दे सकते हैं, यानी कल जब आप आएंगे तो कल हमें पेमेंट चाहिए आपका। हाँ, ऐसा हो सकता है कल अगर ईद हुई तो क्लास नहीं होगी। अगर ईद है, ईद होगी तो हर एक को पता लग जाएगी, खैर ईद नहीं है तो क्लास होनी है। तो अगर ईद होती है तो अगले सैटरडे आप लोग पहुँचेंगे और पेमेंट लेके पहुँचेंगे। विदाउट पेमेंट आई विल नॉट एक्सेप्ट दी एनीबडी। तो अब यहाँ पर दूसरा ध्यान ये रखना है कि पेमेंट में अगर 2 इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो 8 दिन से ज़्यादा का गैप आई विल नॉट रिकमेंडेड कि 8 दिन से ज़्यादा का आप गैप है। पढ़ाने का तरीका आपने 2-3 घंटे देख लिया है, फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन क्लास आप कहीं चले जाएँ कहीं नहीं होती है। वॉइस रिकॉर्डिंग और PPTs के ऊपर जो हम लिख रहे होते हैं PPTs पर या जो भी whatever, ये इन्फॉर्मेशन आपको जो दी जा रही है वॉइस रिकॉर्डिंग, ये पूरे इंडिया के अंदर कोई नहीं देता है। वीडियो शूट करना चाहते हैं वो आप शूट कर सकते हैं। अगर किसी को आज की क्लास समझ में नहीं आई है लेट से, और कल क्लास करता है फॉर एग्जांपल, या कल नहीं होती है तो सैटरडे करता है, अगर ये 2 क्लास किसी को समझ नहीं आती हैं पैसे देने के बावजूद भी, तो वो अपने पैसे वापस ले सकता है। बोल सकता है सर मेरे को बियर नहीं हो पा रही क्लास, मैं क्लास से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ,
दो दिन के बाद अगर आप 6 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद आप ही बोलते हो अब समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अब बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ, 20 साल मेरे को बेवकूफ़ पढ़ाते हो। ये चीज़ें वेरी क्लियर कटें, बुरी लगें अच्छी लगें, अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो कल भी आएगा, कल आ रहा है तो परसों भी आएगा, ऐसा नहीं कि 3 दिन के बाद आना बंद हो जाएगा। तो किसी को अगर क्लास जिसने पैसे जमा कर रखे हैं अभी क्लास से क्विट करना हो, यू कैन टेक योर मनी बैक और जा सकते हैं। किसी ने पूरी पेमेंट जमा कर दी है 2 दिन के बाद ही समय नहीं आता, जा सकते हैं। तीसरे दिन आई विल नॉट गिव ए सिंगल रुपी टू यू, आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा, सामने लिखा होगा इंटरेस्टेड स्टूडेंट। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो मेरा ये हक भी है कि मैं कमाऊँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पर चीटिंग कुछ नहीं की जा रही है, पेपर पासिंग गारंटी हमारे यहाँ कुछ नहीं है, पहले ही आपको दिखा दिया गया। और सर्टिफिकेशन जो गारंटी जो पैसे लिए करा रहे होते हैं, क्योंकि पासिंग प्रोसेस CCNA का चीटिंग प्रोसेस है, हर एक को पहले ही बता दिया गया है। और जिनको नहीं पता है उनके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो CCNA को पास करने की जो साइट है दैट इज़ www.passnumeric4sure.com। आप इस साइट पे विजिट करें, वर्ल्ड में जितनी भी नेटवर्किंग के सर्टिफिकेशन हैं 22 या 23 वेंडर्स के, सबके डम्स DUMP अंग्रेजी में अच्छा लगता है बट वो चीटिंग पेपर आप उसको कटें कहें या सैम्पल पेपर कहें, सब कुछ उसी में से आ रहा होता है। CCNA का पेपर कितने का है ये आपको वहाँ से नज़र आ जाएगा, तकरीबन $99 का है, 5000 का। उसको आप डाउनलोड कर लें पैसे देने के बाद, CCNA पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको रटें, अंग्रेजी आपको आती है, इंशाल्लाह पास कर जाएंगे, यू बिकम दी CCNA सर्टिफाइड। ये पास करने का तरीका है। इंटरव्यू की कॉल कभी तभी आएगी जब आपके पास वो चीटिंग पेपर होगा, और इंटरव्यू में आंसर देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको जो क्लास दी जाएगी वो 2 महीने की क्लास है, वह 2 महीने की जो क्लास है वो है लेक्चर को डिलीवर करने के लिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको 2 महीने में अंडरस्टैंड नहीं होगा, आप उस पर मोर एफर्ट लगाएंगे, घर जाने के बाद 3 घंटे की क्लास पर एटलीस्ट 3 घंटे तो लगाएंगे, तब तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है जी, बाकी आमिर सर से आप मिल लें, वॉइस और PPT ये आप लेकर चले जाएँ। जिनको कल आना है, अगर ईद नहीं होती है कल आप आते हैं तो कल क्लास में पेमेंट ले लीजिए। थैंक यू सर। ये PPT मैं अभी दे रहा हूँ, ये आमिर सर से लेके जाए। बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन पुट अप करना है आप कर सकते हैं।